ये सब डाइकॉट की फैमिली है, लिलियेसी एक मोनोकॉट की फैमिली है और रिप्रेजेंटेड फैमिली है, जिससे आप लिलियेसी फैमिली या मोनोकॉट को रिप्रेजेंट करते हो, तो वो रिप्रेजेंटेड फैमिली कहलाती है। अब उसमें भी आप जनरल करेक्टर्स वैसे ही आपको पढ़ने कि लिलियेसी फैमिली में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। लिलियेसी फैमिली में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हैबिटेट का पॉइंट एक दे रखा है बुक में। हैबिटेट में पेरिनियल हर्ब्स लिखा हुआ है। पेरिनियल मतलब मल्टीपल ईयर्स में लाइफ कंप्लीट करने वाले प्लांट, जिनका लाइफ स्पैन कई सालों का है, वो पेरिनियल कहलाते हैं। प्लांट्स मोस्टली हर्बेशियस हैं, जैसे आपने सोलिनेसी में लिखा था कि हर्ब श्रब ट्री सब हैं, ट्री स्मॉल साइज के हैं। फैबेसी में देखोगे तो लिखा है कि हर्ब श्रब ट्री सारी पॉसिबिलिटी हैं। लिलियेसी में क्या लिखा है कि पेरिनियल हर्ब्स हैं। यूजुअली जब इनमें अंडरग्राउंड अगर आप देखोगे तो स्टेम बनेगा, जैसे बल्ब हमने पढ़ा था अनियन गार्लिक, वो लिलियेसी फैमिली का ही प्लांट है, तो उसमें आपको अंडरग्राउंड बल्ब मिल जाएंगे। राइजोम है, कॉर्म है, हालांकि हमने राइजोम और के एग्जाम्पल में जैसे पढ़ा था एक जिंजर एंड टर्मरिक, वो लिलियेसी के मेंबर नहीं है, बट लिलियेसी के और प्लांट के अंदर राइजोम वैसा ही प्रेजेंट होता है। या इसी तरीके से कोलोकेसिया में कॉर्म पढ़ा था, तो वो यहाँ का मेंबर तो नहीं है बट कॉर्म इज देयर। तो लिलियेसी में आपको अंडरग्राउंड स्टेम में बल्ब, जो ऑलरेडी हमने अनियन गार्लिक लिली ये सब लिखे थे, और राइजोम और कॉर्म भी प्रेजेंट है। ये तो हो गई हैबिटेट के बारे में। फिर रूट मेंशन नहीं है, लेकिन आप मोनोकॉट है तो रूट कैसा होगा? एडवेंटिशियस होगा, आपने मॉर्फोलॉजी के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था उसको। स्टेम कैसा होगा वो ऊपर लिख दिया गया कि अंडरग्राउंड स्टेम है, बल्ब हो सकता है, कॉर्म हो सकता है और राइजोम भी हो सकता है। लीफ आएगा तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है लीफ कैसी है, बेस पे होती है, ऑल्टरनेट है। वैसे भी जब आप कंडेंस्ड स्टेम बनाओगे तो लीफ तो आपको नीचे की तरफ ही दिखाई देंगी, जैसे अनियन का डायग्राम हमने बनाया था, तो लीफ बहुत नीचे की तरफ बनाई थी हमने, तो बेसल लीफ कहलाती है, नीचे प्रेजेंट है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, ऑल्टरनेट। अब इसका मतलब हमने तीनों फैमिली में लीफ कैसी पढ़ी है, ऑल्टरनेट। फैबेसी में भी ऑल्टरनेट है, लिलियेसी में भी ऑल्टरनेट है, सोलिनेसी में भी ऑल्टरनेट है। और जो ऑलरेडी ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल पढ़ा था चाइना रोज, वो तो है ही, जो फाइलोटैक्सी में आपको लिखाया था एग्जाम्पल चाइना रोज, तो चाइना रोज में भी ऑल्टरनेट हो गया, और बाकी तीन फैमिली के जितने भी एग्जाम्पल हैं इन सब में भी ऑल्टरनेट हो गया। तो ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है आप सबके नाम याद करेंगे, तीनों फैमिली में जो है वो, और लास्ट में आपने जो पढ़ा है, स्टार्टिंग में जो आपने पढ़ा है कि चाइना रोज, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर लाइन में अरेंज है तो लीनियर बोल दिया, एक्स स्टिपुलेट है, स्टिप्यूल यहाँ पे नहीं है, पर एक्स स्टिपुलेटली आपने और कहाँ पढ़ा था, सोलेनेसी में कल पढ़ा था, तो सोलेनेसी में स्टिप्यूल नहीं होता, लिलियेसी में स्टिप्यूल नहीं होता, लेकिन फैबेसी फैमिली में आपने लिखा है कि स्टिपुलेट लीफ होती है, यानी उनके लीफ के बेस पे लीफी स्ट्रक्चर यानी स्टिप्यूल प्रेजेंट है। तो अब डिफरेंस हो गया कि फैबेसी में स्टिप्यूल है और सोलेनेसी और लिलियेसी में स्टिप्यूल नहीं है। अब क्योंकि ये मोनोकॉट की फैमिली है तो वेनेशन कैसा आएगा, पैरेलल। आपको मैंने लीफ के वेनेशन पढ़ाए थे डाइकॉट मोनोकॉट में, डाइकॉट में रेटिकुलेट, मोनोकॉट में पैरेलल, सिंपल है। तो यहाँ पैरेलल वेनेशन आपको मिल जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। अब आएगा इनफ्लोरिसेंस, फिर वही दो टाइप के हैं, या तो रेसिमोज या साइमोज होता है, तो मोस्टली यहाँ पे कैसा है, रेसीम है, साइमोज भी होगा। साइमोज के आगे लिखा होगा कि कुछ अम्बुलेट क्लस्टर बन जाते हैं, अम्ब्रेला शेप ग्रुप बन जाते हैं, तो अम्ब्रेला शेप होता है तो अम्बेल नाम दे दिया गया, क्लस्टर मतलब ग्रुप, बंच की फॉर्म में आ जाएगा, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि। हाँ बेटा, सर एनसीईआरटी में सॉलिटरी रखा हुआ है, वही साइमोज है, नहीं, सॉलिटरी तो अकेला हो गया, मोस्टली इनफ्लोरेसेंस रेसीम रखा होगा, हुआ है। मोस्टली रेसीम होगा, सॉलिटरी है तो अकेला होगा। और अगर रेसीम लिखा है तो रेसीमोज आपको मैंने बना के दिखाया था, साइमोज लिखा है तो साइमोज ही बना के दिखाया था। तो सर सिर्फ ये आप, सॉलिटरी और साइमोज लिखे हुए हैं। अच्छा, सॉलिटरी और साइमोज लिखे हुए हैं, तो ठीक है, सॉलिटरी मतलब अकेला होगा, साइमोज फिर आपने पढ़ा हुआ था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, है ना। एक बार देख लीजिएगा एनसीईआरटी में सॉलिटरी लिखा है तो सॉलिटरी भी याद रखना है। अम्बुलेट सॉलिटरी क्लस्टर लिखा होगा एक वर्ड, है ना, ये तो लिखा है लिलियेसी में आप देखोगे तो, वो अम्बुलेट क्लस्टर आपको याद रखना है कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है। अम्ब्रेला शेप होता है, अम्बुलेट क्लस्टर तभी बनता है जब ये रेसीम हो, क्योंकि रेसीम के जब फर्दर टाइप मतलब रेसिमोस, है ना, जब रेसिमोस के यहाँ फर्दर टाइप पढ़ोगे ना, तो उसमें ये अम्बुलेट क्लस्टर पढ़ाया जाता है कि लाइक जैसे ये स्टॉक हो गया,
किसी ने लिली या किसी ने प्याज या लहसुन में फ्लावर को बनते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। लिली में भी ऊपर फ्लावर आता है, और फ्लावर कैसे होते हैं? लाइक ये फ्लावर ऐसे आएंगे बंच में छोटे छोटे, तो ये अम्ब्रेला के जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इसको हम अम्बुलेट क्लस्टर बोलते हैं। अम्ब्रेला शेप है तो क्या कहलाएगा? अम्बुलेट क्लस्टर कहलाता है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, साइमोज होगा सॉलिटरी है, और ये अम्बुलेट क्लस्टर आएगा, है ना, अम्ब्रेला शेप क्लस्टर बन जाएगा, तो अम्बुलेट क्लस्टर कहते हैं। यहाँ पे एक ये वर्ड लिखा होगा, ये स्केप कहलाता है। स्केप क्या है? ये स्टॉक है, मतलब जिस पे ये इन्फ्लोरिसेंस रुका हुआ है, ये पतला सा स्टॉक होता है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, यहाँ पे कोई साइड में ब्रांच नहीं बनेगी। आप लिली के फ्लावर को गूगल पे सर्च करके देखिएगा, तो लिली का फ्लावर जिस स्टॉक पे लगा होता है, उस स्टॉक पे कोई ब्रांच नहीं होती, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि लीफ तो बेस पे होगी, तो लीफ तो यहाँ होंगी, अगर ये स्टॉक ऐसे आ गया तो लीफ तो यहाँ पे है, दीज आर बेसल लीफ। नीचे एक कंडेंस सिस्टम होगा और एडवेंटिशियस रूट्स बनाओगे आप। अगर एक डायग्राम बने, मान लो प्याज का डायग्राम आपने देखा नहीं है, आपकी बुक में तो बना ही हुआ ना, लिलियसी में जो डायग्राम बना है आप उसमें देख सकते हो, नीचे यहाँ पे बेस पे लीफ हो गई जिनसे प्याज बन जाएगा, ठीक है, ऑनियन बन जाएगा। अब ऑनियन की लीफ खोल दोगे तो ऐसी होंगी, बंद होंगी तो नीचे ऐसी आ जाएंगी। अब इसके अंदर एक स्टॉक बनेगा जिसपे ऊपर जाके फ्लावर बनेंगे, तो वो स्टॉक क्या कहलाता है? उसको स्केप कहते हैं। ये कभी पूछा गया था कि स्केप क्या होता है, तो स्केप इज द अनब्रांच स्टॉक जिसपे ये सारे फ्लावर्स आएंगे, ये याद रखिएगा। सर, अम्ब्रेकुलेट जो क्लस्टर है ये, तो ये जब रेसिमोज पे आते हैं खाली, तो इनफ्लोरेसेंस पे एनसीआरटी में साइमोज क्यों लिखा हुआ है? नहीं, उसमें क्या है कि कुछ एक्सेप्शन टाइप के भी है ना, कि क्लस्टर तो बनेगा ये अम्ब्रेला शेप का, लेकिन इसमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट रखना है वो साइमोस का रखना है, तो कहलाएगा साइमोस विद अम्बुलेट क्लस्टर। और अगर हम मान लीजिए फ्लावर का अरेंजमेंट रखें रेसिमोस के जैसा और बना दे अम्ब्रेला शेप क्लस्टर, तो बन जाएगा रेसिमोस विद अम्ब्रेला क्लस्टर। तो यहाँ साइमोस है, बस उसमें जो क्लस्टर बनेगा वो अम्ब्रेला शेप का बनेगा, तो अम्बुलेट क्लस्टर बोल दिया। सर स्केप का मतलब एक बार और बता दीजिए। एस्केप का मतलब एक ऐसा स्टॉक जिसमें कोई ब्रांचिंग ना हो, अनब्रांच स्टॉक है, और ये फ्लावर का स्टॉक है, मतलब इसको स्टेम मत मान लीजिएगा, है ना, स्टेम तो नीचे होता है ना, बल्ब में आपने लिखा था अंडरग्राउंड कंडेंस सिस्टम होता है। एस्केप का मतलब है इनफ्लोरिसेंस एक्सिस या फ्लोरल एक्सिस, अनब्रांच विद फ्लावर्स ओनली एट टिप। अगर कोई अनब्रांच फ्लोरल एक्सिस हो जिसकी टिप पे बंच ऑफ द फ्लावर आएगा, बंच ऑफ द फ्लावर कैसा आएगा वो डिपेंड करेगा, लाइक रेसिमोस है तो रेसिमोस के हिसाब से, साइमोस है तो साइमोस के हिसाब से, लेकिन नीचे एक पतला सा स्टॉक होगा जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई फ्लावरिंग नहीं है, कोई लीफ नहीं है, कोई नोड इंटरनोड नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही इलांगेट कर जाएगा, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को हम स्केप बोलते हैं, है ना, तो ये आपको स्केप के हिसाब से याद रखना है, ठीक है। सो स्केप क्या कहलाएगा? दिस इज अनब्रांच इनफ्लोरिसेंस एक्सिस या फ्लोरल एक्सिस विद फ्लावर ओनली एट द टिप, तो फ्लावर आपको केवल टिप पे नजर आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये अनब्रांच होगा, तो ये दो चीजें आपको स्केप में याद रखनी है, इसलिए वो यहाँ पे स्केप मेंशन नहीं है, बट किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा, या लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से स्कैपी जिरस, GERUS, साइम, स्कैपी जिरस साइम का मतलब है वही कि साइमोस विद अम्बुलेट क्लस्टर जो आपने लिखा है, साइम फॉर साइमोस विद अम्बुलेट क्लस्टर। आपने क्या लिखा है, रिपीट कर दो। मैंने लिखा है स्केपी जीरस साइम, SCAPEGERUS, आपको दिख रहा होगा ना, अभी तो सब कुछ क्लियर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ ब्लर नहीं हो रहा, स्केपी जीरस साइम, ओके सर। तो ये वर्ड आपको लिलियसी में पूछा गया, कहीं पे स्केप पूछा गया है, या कहीं पे ये जो लाइन लिखी थी साइमोस विद अम्बुलेट क्लस्टर, उसका मतलब यही था कि एक अनब्रांच स्टॉक जिसपे अम्ब्रेला शेप क्लस्टर में फ्लावर्स अरेंज होंगे, तो ये आपको लिलियसी फैमिली में ध्यान रखना है।
अब इसके बाद बुक में दे रखा है फ्लावर कैसे होंगे, फ्लावर में ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, हालांकि कुछ केसेस में यूनिसेक्सुअल भी होते हैं बट आप बाइसेक्सुअल इन जनरल याद रखिए, एक्टिनोमार्फिक है ना, हाइपोगाइनस है क्योंकि ओवरी सुपीरियर होगी, और ट्राइमेरस है। ट्राइमेरस का मतलब क्या बताया था कि सारी चीजें तीन या तीन के मल्टीपल में होंगी तो फ्लावर ट्राइमेरस कहलाएगा। अब क्योंकि ये मोनोकॉट है तो यहाँ कैलिक्स करोला अलग अलग तो होंगे नहीं, तो कॉमन वर्ल आ जाएगा दैट इज पेरियंथ। तो फ्लावर के बाद क्या मिलेगा हमें, पेरियंथ मिलेगा। अब पेरियंथ की यूनिट क्या कहलाती है, टेपल। टेपल का नंबर कितना है, सिक्स। सो टेपल का नंबर क्या आएगा, सिक्स आएगा, तो सिक्स टेपल प्रेजेंट होंगे। और दो ऑल्टरनेट वर्ल में है, तीन तीन के वर्ल में है। जब आप फ्लोरल डायग्राम को देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, तीन की तीन बाहर बने हैं और तीन अंदर बने हैं ना। लाइक अगर मैं इसको डायग्राम के हिसाब से बनाऊंगा तो दो वर्ल है, यानी कि एक वर्ल ये हो गई, एक वर्ल टेपल की मान लीजिए ये हो गई, ये मदर एक्सिस हो गया। तो एक तो आपको यहां मिलेगा लाइक दिस, एक यहां मिलेगा दिस इज लाइक ऐसे, एक यहां मिलेगा। तो ये एक हो गई, ये मदर एक्सिस ये था आपका, है ना। फिर दूसरा आपको यहां मिलेगा, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये तीन बाहर है तीन अंदर है, ओवरलैप तो कोई मार्जिन कर नहीं रहा, तो एस्टिवेशन आगे जाके क्या बन जाएगा, वेलवेट, है ना। तो पेरियंथ में आप देखोगे तो टेपल सिक्स हो गए इन टू वर्ल, 3+3, एक ट्यूब की फॉर्म में होते हैं तो ऑफन यूनाइटेड है, मतलब ये यहां से जुड़ जाएगा, ये यहां से जुड़ जाएगा, फिर ये यहां से जुड़ेगा, ये यहां से जुड़ेगा, ये यहां से जुड़ेगा, तो ये यहां से जुड़ेगा। इस तरीके से जुड़े हुए भी दिखाए गए होंगे, तो इसका मतलब एक ट्यूब के जैसे आपको दिखाई देंगे, है ना। अभी तो आप ट्यूब नहीं देख सकते क्योंकि हम फ्लावर को नहीं पढ़ रहे, हम एक डायग्राम के हिसाब से देख रहे हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि ये जुड़े हैं, 3+3 है, तीन बाहर है तीन अंदर है ना। और शुरू में जो तीन बाहर आएंगे तो मदर एक्सिस के ऑड नंबर, मतलब मदर एक्सिस के सामने जो आएगा वो एंटीरियर एंड वाला आएगा, जैसे ये वाला यहाँ बना दो तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो गलत हो जाएगा। मदर एक्सिस के दोनों साइड में बनाना है, फिर एक जो बचेगा वो उसके ठीक अपोजिट आएगा। इसी तरीके से जैसे बने हुए हैं आपकी बुक में वैसे ही अरेंज होंगे। अब इसमें वेलवेट एस्टिवेशन होता है, एस्टिवेशन मेंशन नहीं होगा शायद बुक में, तो आप लिख लीजिएगा कि एस्टिवेशन कैसा होगा, वेलवेट होगा, अगर है तो ठीक है, वरना कोई ओवरलैपिंग तो हो नहीं रही, सर मतलब मेंशन है। अरे बात हाँ ये हाँ बोले। बता दीजिए जो ये डायग्राम वाले जो बनाया आपने। ये मैंने पेरियंथ बनाए बेटा, तीन पहले बनाए थे मैंने बाहर में, एक तीन की रिंग अलग से बनाई थी ये, फिर एक मैंने ये बनाया दूसरा। आपकी बुक में बने हुए तो हैं, सेम ही तो बनाए मैंने, वो थोड़ा बहुत डायग्राम आगे पीछे हो गया होगा। ये तीसरा हो गया, तीन बाहर हो गए एक रिंग में, तीन अंदर वाली रिंग में है तो एक ये बना हुआ है। तो सर ये दो दो आपस में जुड़े हुए हैं क्या? हाँ जुड़े होते हैं इसलिए जुड़े हुए हैं, अब इनको जोड़ दिया गया है बस, क्योंकि ट्यूब की फॉर्म में यूनाइटेड होते हैं तो ये जोड़ के बना दिए गए। तो पेरियंथ क्या हो गया, पी हो गया, और थ्री बाहर है थ्री अंदर है, और क्योंकि यूनाइटेड है आपस में जुड़े हैं तो ब्रैकेट बंद कर दिया। जैसे आप क्या बोलोगे, गैमोटेपेलस, गैमो वर्ड यूज किया था आपने, सिक्स नहीं सर लिखा गया, आपने थ्री प्लस थ्री एग्जाम्पल के आगे क्या लिखा है? किसके आगे, एग्जाम्पल के आगे जो लिखा है ये तो मैंने स्केपीजीरस साइम बताया था, ये तो बताए हुए 5 मिनट हो गए, स्केप लिखा था ना, तो इस साइम को स्केपीजीरस साइन बोलते हैं। तो ये चीज हो गई, ठीक है, लिलियसी फैमिली के हिसाब से ये P3+3। फ्लावर कैसा था, फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट था तो ब्रैक्टिएट हो गया, और एक्टिनोमार्फिक था तो ये बना दिया, बाइसेक्सुअल था तो ये बना दिया, ये तीनों चीजें हो ही गई। अब यहाँ कैलेक्स करोला नहीं आएगा तो के और सी नहीं लिखा जाएगा, यहाँ सीधे सीधे पेरियंथ आ रहा है, पी लिख दिया गया। छह होते हैं टेपल, 3+3 है, तीन अंदर है तीन बाहर है, वो लिख दिया, सारे जुड़े हैं आपस में तो ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब इसके बाद क्या आएगा, एंड्रूशियम। एंड्रूशियम में स्टैमेन कितने होते हैं, टोटल सिक्स होते हैं, लेकिन ये भी दो ग्रुप में होंगे, 3+3, तीन अंदर तीन बाहर, इस तरीके से 3+3 करके अरेंज होंगे, और ये टेपल से जुड़े होते हैं। मैंने आपको एडहेशन ऑफ स्टैमेन में इपीफिलस लिखाया था कि जब वो टेपल से जुड़ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, एपीफिलस बोलेंगे। तो फिर यहाँ स्टैमेन बना दिए गए, जैसे एक यहाँ से बना दिया गया है ना, एक यहाँ से बना दिया गया, ये जोड़ के दिखाया गया है ना, एक यहाँ से बना दिया, तीन हो गए, फिर ये चौथा यहाँ से आ गया, पांचवा यहाँ से आ गया, छठा यहाँ से आ गया, तो छह स्टैमेन हो गए है ना। फिर
ये 3 + 3, और एपिफिलस के लिए क्या बनाया था हमने, आर्क, तो ये लाइन जोड़ के दिखा दी गई कि जो स्टेमेन है वो पेरियंथ यानी टेपल से जुड़े होंगे, तो ये आर्क क्या शो करता है, ये एपिफिलस कंडीशन को शो करता है। अब सेंटर में क्या आएगा, गाइनेशियम, गाइनेशियम में भी 3 कार्पेल है, सारी फ्यूज कर जाएंगी तो सेम कार्पस है, सुपीरियर ओवरी है, 3 चैम्बर है, ट्राइलाकुलर, तो अगर चैम्बर और कार्पेल का नंबर बराबर होता है तो प्रेजेंटेशन क्या पढ़ाया था, एक्साइल, तो सेंटर में क्या बनेगा, सेंटर में एक एक्साइल प्रेजेंटेशन बना दिया जाएगा, है ना, कि सेंटर में आपने एक्साइल प्रेजेंटेशन बनाना है, तो लाइक ये 3 चैम्बर 3 कार्पेल, और इसके अंदर जो है वो सीट्स का अरेंजमेंट ऐसे करके, तो एक्साइल गाइनेशियम जी 3 है, ट्राइकार्पलरली, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, तो ये फ्लोरल फार्मूला भी हो गया कि ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ 3 + 3, फ्यूज्ड, एंड्रोशियम 3 + 3, एपिफिलस, गाइनेशियम, ट्राइकार्पलरली, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, ऐसे करके आप फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला बना सकते हो। सीड्स को पढ़ोगे तो सीड एंडोस्पर्मस, क्योंकि आपको लिखा था कि मोनोकॉट में सीड जी कैसा होता है, मोस्ट ऑफ द केस में एंडोस्पर्मस होता है, तो वो हो गया। फ्रूट कैसा होगा, फ्रूट लिखा है कैप्सूल, रेयरली बेरी, सोलेनेसी में क्या था, बेयरली रेयरली कैप्सूल, सोलेनेसी में क्या लिखा हुआ है, बेरी रेयरली कैप्सूल, और लिलियसी में क्या है, कैप्सूल रेयरली बेरी, तो दो ही टाइप के फ्रूट है, बेरी एंड कैप्सूल, लेकिन एक में कॉमन क्या है, सोलेनेसी में बेरी, यहाँ कॉमन क्या है, कैप्सूल, तो ये फ्रूट्स के बारे में भी एक वर्ड दे रखा है कि फ्रूट कैसा होगा, कैप्सूल रेयरली बेरी, क्लियर, ये सोलेनेसी ये सॉरी लिलियसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन है जो मेंशन किया गया है। अब इसके बाद आपकी बुक में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दी है, लिलियसी फैमिली में जो प्लांट्स मेंशन किए गए दोज आर मेडिसिनल प्लांट, तो ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सी फैमिली मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की है, तो यहाँ जितने प्लांट्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ द केस में वो मेडिसिनल है, वैसे तो फैबेसी में भी मेडिसिनल था, मोलाठी आपने लिखा था है ना, लिकोराइस, ग्लाइसिराइजा, ग्लैबरा, सोलेनेसी में भी मेडिसिनल था आपने, बेलाडोना भी लिखा वो भी मेडिसिनल है, धतूरा लिखा है वो भी मेडिसिनल है, अश्वगंधा लिखा है वो भी मेडिसिनल है, लिलियसी में मोस्ट ऑफ द प्लांट मेडिसिनल यूज किए हैं, है ना, सोलेनेसी और फैबेसी में तो गिने चुने थे, लिलियसी के तो अधिकतर प्लांट मेडिसिनल यूज के ही है, तो इसलिए लिखा है कि ये फैमिली कैसी है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की फैमिली कहलाती है, जैसे ऑनियन आप जानते हैं ऑनियन की मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, ऑनियन इज एलियम सीपा, ऑनियन का एडिबल पोर्शन क्या होता है, आपको मैंने लीफ में लिखा रखा है, फ्लैश लीफ बेस, लीफ जो नीचे वाली है उनका जो पल्विनस जो स्वेलन बेस होगा वो नीचे खट्टा हो जाएगा, तो वही अनियन में एडिबल पोर्शन है, तो अनियन में एडिबल पोर्शन क्या आएगा, फ्लैशी लीफ बेस, फिर ऐसे गार्लिक वो भी मेडिसिनल प्लांट है, एलियम सटाइवम, उसके बल्ब जो है वो एडिबल होते हैं, गार्लिक की जो अलग अलग क्लोव्स होती हैं, लहसुन की कलियां उनको हम खाते हैं, फिर एक प्लांट लिखा है कॉल्चिकम ऑटम नेल, 12th में भी पढ़ोगे यहाँ भी दे रखा है, इससे एक ड्रग मिलती है कॉल्चिसिन, और उस ड्रग का यूज क्या है, आगे जेनेटिक्स में जब आप पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी प्लांट या एनिमल में बढ़ाने होते हैं, बढ़ाने का मतलब है डबल करने हो, सीधे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे 100 से सीधे 200, तो जब आपको क्रोमोसोम का नंबर 2 टाइम्स करना होगा एक साथ, तो जिस ड्रग को यूज किया जाता है दैट ड्रग इज कॉल्चिसिन, और कॉल्चिसिन मिलती कहाँ से है, बिलोंग टू द प्लांट कॉल्चिकम ऑटम नेल, तो कॉल्चिकम ऑटम नेल से मिलती है, तो वो याद रखना है आपको, और फैमिली क्या है कॉल्चिकम ऑटम नेल की, लिलियसी, जो आप यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हो, है ना, इसके अलावा ट्यूलिप का फ्लावर सब जानते हैं, फ्लावरिंग प्लांट है ट्यूलिप, वो भी इसी फैमिली का है, लिली का जीनस लिलियम है इसी फैमिली का है, ग्लोरियोसा एक मेडिसिनल प्लांट है इसी फैमिली का है, एलोवेरा सब जानते हैं, एलोवेरा इसी फैमिली से बिलोंग करता है ना, रस्कस और एस्पेरेगस इसी फैमिली के हैं, एस्पेरेगस में मैंने आपको क्लैडोड पढ़ाया था स्टेम के मॉडिफिकेशन में, यक्का इसी फैमिली का प्लांट है, आगे चैप्टर में आप पढ़ोगे, ड्रेसिना ऑर्नामेंटल प्लांट है, सब हमारे घर में खुद ही लगा हुआ है, तो ड्रेसिना आप गूगल पर डालोगे तो आपको दिख जाएगा, तो उस वो भी मेडिसिनल भी है और ऑर्नामेंटल भी है, इसी फैमिली से बिलोंग करता है, स्माइलेक्स, स्माइलेक्स में मैंने आपको पढ़ाया था, बताओ स्माइलेक्स में क्या पढ़ा था आपने, कुछ याद है, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन हाँ मोनोकॉट हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन, है ना, तो स्माइलेक्स एक मोनोकॉट है, बिलोंग्स टू दिस फैमिली,
हालांकि होना तो पैरेलल वेनेशन चाहिए क्योंकि मोनोकॉट है, बट स्माइलेक्स में कैसा है, रेटिकुलेट है। सो मोनोकॉट हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन में आपको स्माइलेक्स पढ़ाया, वो भी इसी फैमिली का प्लांट है। तो ये जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हैं वो एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अनियन का डायग्राम बनाया आपकी बुक में, मतलब अनियन का प्लांट कैसा दिखाई देता है, उसका फ्लावर कैसा होता है, उसमें फिर आप अगर डायग्राम बनाओगे फ्लोरल डायग्राम तो वो कैसे बनेगा, फ्लोरल फार्मूला भी अनियन का ही लिखा गया है। तो किसी भी फैमिली में बेसिकली हमें जो याद रखने की चीजें होती हैं वो एग्जाम्पल्स, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला। जो टर्म्स हैं वो मैंने आपको सब पहले से पढ़ा रखे हैं। जैसे यहाँ पे एम्बुलेट क्लस्टर नया टर्म हो गया, वो तो रेयर केस है। अदरवाइज जो जनरल टर्मिनोलॉजी है, फ्लावर, कैलिक्स, करोला, पेरियन, एंडुशियम, गाइनेशियम, फ्रूट, सीड, ये सब आपने ऑलरेडी शुरू में ही पढ़ रखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बड़ा चैप्टर था, 7 क्लासेस में कंप्लीट हुआ, 7 to 8 क्लासेस लग गई इसमें। सर 9 क्लासेस आज वाली क्लास तो बस क्या 10-15 मिनट में खत्म हो गया। आज तो मेनली आप एनाटॉमी पढ़ोगे, बाकी 8 क्लास हो गई शायद आपकी, या हो सकता है 9 हो गई हो, मुझे सर, ठीक से याद 8 हो गई, नहीं। 8 हो गई सर। आज चलो, वाली 9th है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरे से, क्योंकि उससे पहले मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, और इन 8 क्लासेस में मैं समझता हूँ कि टीचर स्टूडेंट का रिदम बन जाता है, तो आपको मेरे पढ़ाना या मेरा एटीट्यूड समझ में आएगा पढ़ाई को लेके। आ रहा है समझ में किसी को? नहीं आ रहा? सर यस सर। जैसे नहीं आ रहा होता तो अब तक कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मुझे मिली जाती। एटीट्यूड मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने कल आपको बोला था कुछ, कि मैंने कोई चीज अगर पढ़ा दी और फिर मेरे पूछने पे आप नहीं बताओगे तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं है, इट्स ओके, पर जब उसको पढ़ा दिया गया है और फिर उसने नहीं पढ़ा तो दिस इज नॉट ओके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज आप मेडिकल की तैयारी अगर कर रहे हैं तो मैं हमेशा से मानता हूँ कि मेरे लिए आज इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये कहें कि सर हम रिवाइज भी तो करेंगे बाद में देख लेंगे, तो मेरा मानना यह है कि बाद में तो कभी आएगा ही नहीं। आप लोगों का तो 2 साल बाद पता चलेगा नीट के एग्जाम का क्या सिनेरियो है, बट मुझे 18 साल पढ़ाते हुए हो गया, हर साल मैं यही देखता हूँ कि सर रिविजन हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, रिविजन फ्यूचर है। नहीं हो पाया तो क्या करोगे, फिर क्या करोगे, एग्जाम नहीं दोगे क्या? तो इसलिए आपको जो याद करना है आज ही याद करना है आज नहीं याद करोगे, रिवाइज नहीं करोगे। रिवाइज करना आप लोग मानते हो कि टीचर की ड्यूटी है, इंस्टीट्यूट की, वो रिवीजन कराएगा, बट मुझे मानना है जब मैं स्टूडेंट था तब भी मेरे लिए यही था, आज टीचर बन गया तो यही है, रिवाइज करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर या इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। टीचर का काम है पढ़ाना, अगर पढ़ाते पढ़ाते सिलेबस ही नहीं पूरा हो पाया, टाइम कम था, तो रिविजन कैसे करेंगे? बहुत सारी बातें होती है ना, किसी ने लेट में एडमिशन लिया, बैच देर से शुरू हुआ, रिवाइज करने का टाइम नहीं आया, तो क्या करेंगे? तो इसका मतलब यह है कि आपको बस अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, आप इसी को ध्यान में रखो। डाउट्स तो आपकी ड्यूटी है, आप कभी भी पूछ सकते हो, है ना। नेक्स्ट चैप्टर इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सर बोलो सर एग्रीगेट जी। फ्रूट किसे कहते हैं? एग्रीगेट का मतलब ये होता है, हमने एक ओवरी पढ़ी थी, एपोकार्पस ओवरी, है ना, से कंडीशन कि जब कार्पल का नंबर एक से ज्यादा होगा और सारी कार्पल फ्री होंगी तो एपोकार्पस कहते हैं। तो अगर एपोकार्पस ओवरी वाला कोई सिचुएशन है, मतलब ऐसा कोई इनफ्लोरिसेंस है जिसमें सारे फ्लावर्स की जो ओवरीज हैं वो अलग अलग हो, ऐसे इनफ्लोरिसेंस से जब कोई फ्रूट बनेगा तो बेसिकली वो फ्रूट का बंच बनेगा ना, बिकॉज ओवरी अगर फ्यूज हो जाती तो एक कॉमन फ्रूट बन जाता। बट क्योंकि पांच ओवरी है, जैसे भिंडी में आपने 5 पढ़ी तो भिंडी में 5 लाइन तो दिखाई देती है, फ्रूट तो भिंडी एक ही होती है ना, अगर वो पांचों कार्पेल अलग अलग होती तो एक ही जगह पे 5 भिंडी एक साथ लगी होती, पतली पतली सी धागे जैसी। तो एग्रीगेट का मतलब ये है कि जब ओवरी फ्यूज ना हो, मींस एपोकार्पस कंडीशन हो और फ्रूट बन जाए उसी से, तो बेसिकली जो आपको दिखाई देगा दैट इज नॉट फ्रूट, दैट इज बंच ऑफ फ्रूट। तो एग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप, तो वो ग्रुपिंग कहलाती है, या उसको इटैरियो कहते हैं बॉटनी में, इटैरियो मींस एग्रीगेट, तो वो बंच बन जाएगा बेसिकली फ्रूट का, जैसे कस्टर्ड एप्पल पढ़ाया था या स्ट्रॉबेरी पढ़ाया था, वो एग्रीगेट फ्रूट होते हैं। अब बोलो सर जैसे ग्रेप्स है उसे भी कह सकते हैं? किसको, ग्रेप को? हाँ नहीं, ग्रेप नहीं, ग्रेप का तो बंच अलग है, आप स्ट्रॉबेरी समझ रहे हैं ना, स्ट्रॉबेरी आपको एक दिखाई देती है, आप एक स्ट्रॉबेरी मार्केट से लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल
लेकिन मेरे लिए वो एक नहीं है, उस स्ट्रॉबेरी पे जो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दोज आर इंडिविजुअल फ्रूट। अब वो ओके फ्रूट का एक सर, बंच है जिसे आप अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हल्का सा प्रेस करोगे तो वहां से वो खुल जाएगी। ऐसे शरीफा आजकल मार्केट में आ रहा है, आप फ्रूट शॉप पर जाइए, कहिए कस्टर्ड एप्पल चाहिए, अगर कोई नहीं जानता होगा तो कस्टर्ड एप्पल ले आइए, उसको हल्का सा प्रेस करिए उंगलियों को, सारे अलग अलग हो जाएंगे और सेंटर में आपको एक स्टॉक नजर आएगा जो खाने में यूज नहीं होता, नॉन एडिबल है वो। तो बेसिकली क्या है, वो एक फ्रूट नहीं है, आप एक शरीफा नहीं लाए, आप 50 या 60 छोटे छोटे शरीफे जो एक जगह से जुड़े थे वो खरीद के लाए। तो कस्टर्ड एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी आर एग्रीगेट फ्रूट्स, ओके और भी होते हैं बट ये कॉमन है जो नेचर में आप देखते हो या जानते हो, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दे दिया। सर, एपिफाइलस और एपिटेपिलस सेम चीज होती है ना? हाँ सेम है, एनसीईआरटी ने एपिफेलस लिखा हुआ है, अगर किसी बुक में एपिटेपिलस लिखा है तो एक ही बात है। यस सर। और कुछ अभी आप पहले मॉर्फोलॉजी के जो डाउट्स अगर किसी के हैं भी तो आप आराम से पूछ लीजिए, उसके बाद हम एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं। अब मैं एनाटॉमी स्टार्ट करता हूँ। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्टडी हो गई, लेकिन इंटरनल स्टडी के कुछ रूल्स हैं। इंटरनल स्टडी का मतलब तो ये भी होता है, मान लीजिए हमारी बॉडी है, अगर आप कहें कि सर मुझे बॉडी की एनाटॉमी देखनी है, तो बॉडी खोल दी गई, आपको लेवर दिख गया, आपको स्टमक मिल गया, आपको पैनक्रियाज दिखाई दे गया, आपको किडनी दिखाई दे गई, हार्ट देख लिया आपने, तो क्या ये एनाटॉमी है? दिस इज नॉट एनाटॉमी, बिकॉज लिवर का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो लिवर की मॉर्फोलॉजी कहलाएगी, किडनी की मॉर्फोलॉजी है या हार्ट की एक मॉर्फोलॉजी है, सबके आपके एक्सटर्नल डायग्राम आप जू में बनाते हैं। एनाटॉमी कब कहलाएगा? जब आप लिवर को भी कट करके लिवर में हेपेटोसाइट्स को देखोगे, जब आप किडनी को कट करके उसमें नेफ्रॉन को देखोगे, जब आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को कट करके उसमें न्यूरॉन को स्टडी करोगे, जब हार्ट को कट करके आप कार्डिक मसल्स को देखोगे, और ऐसा करने के लिए आपको सेक्शन कट करना पड़ेगा और उसे स्टेन करके माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो एनाटॉमी का मतलब ये नहीं होता कि, क्योंकि हमारी बॉडी, आपने पढ़ा है कि वी हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल इज नॉट एनाटॉमी, वो मॉर्फोलॉजी का ही पार्ट है। ये तो एक कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल था कि किसी में केवल सेल था, तो किसी में टिश्यू बना, किसी में ऑर्गन बना, किसी में ऑर्गन के साथ सिस्टम भी बन गया। तो अगर आप एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं, आप कह तो सकते हैं कि सर बॉडी काटेंगे तभी तो एलिमेंट्री कैनाल दिखाई देगी, बट तब भी वो एलिमेंट्री कैनाल की मॉर्फोलॉजी हुई। अगर आपको एलिमेंट्री कैनाल की एनाटॉमी पढ़नी है तो आपको उस सबके इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए उसके सेक्शन कट करने पड़ेंगे, उसको स्टेन करना पड़ेगा, अगर जरूरत लगती है तो स्टेन करना पड़ेगा, कलर देना पड़ेगा, उनकी स्लाइड बनानी पड़ेगी, फिर आप माइक्रोस्कोप से उनको स्टडी करोगे। तो एनाटॉमी का मतलब होता है आफ्टर स्टेनिंग एंड विजुअलाइजेशन अंडर माइक्रोस्कोप। इंटरनल स्टडी करनी है बट स्टेन करने के बाद, सेक्शन कट करने के बाद, और माइक्रोस्कोप से उसे विजुअलाइज करना है। प्लांट और एनिमल में एक रिमार्केबल डिफरेंस ये भी आता है कि एनिमल्स में क्या है कि सब अलग अलग टाइप के टिश्यू हैं। जैसे मान लीजिए आपने एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा होगा एनिमल में, एनिमल किंगडम एनिमल टिश्यू पढ़ ही लिया होगा अब तक, आई होप सो। तो एपिथेलियम भी आपने डिफरेंट टाइप की पढ़ी होंगी, लाइक स्ट्रेटिफाइड अलग है, कलमनर एपिथेलियम अलग है, सिलिएटेड एपिथेलियम अलग है, सबके स्ट्रक्चर्स अलग अलग सर ने बना के दिखाए होंगे आपको, तो आप देख के ही पता कर लोगे कि कौन सी एपिथेलियम ये है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता, प्लांट के अंदर अभी हम पढ़ेंगे तो टिश्यू केवल तीन ही होते हैं। अब तीन टिश्यू हैं तो हम अलग अलग कैसे करेंगे? तो हम उनको कलर देते हैं, क्योंकि हर एक सेल की केमिस्ट्री अलग होती है, अलग अलग केमिकल कंपाउंड अलग अलग कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, अगर उनको डाई या उनको कलरिंग स्टेन के साथ जब कलर दोगे तो सबके अलग अलग कलर आ जाएंगे, जब अलग अलग कलर आ जाएंगे तो हम आसानी से उसको सेपरेट कर पाएंगे कि यहां तक अलग लेयर थी, यहां तक अलग लेयर थी, यहां तक अलग। एनिमल्स में करने की जरूरत नहीं पड़ती कलर की, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी लेयर अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग सेल्स की ही होंगी। आपको पता होगा कि नीचे जो है वो आपकी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, उससे ऊपर फिर कलमनर एपिथेलियम है, उससे ऊपर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, उसके ऊपर सिलिएटेड एपिथेलियम है, सारी एपिथेलियम है, लेकिन फिर भी क्योंकि सबकी सेल्स अलग अलग है इसलिए आप देख के ही पहचान लोगे। प्लांट में सेल्स अलग नहीं होती, प्लांट में सबकी सेल्स एक जैसी होती है, सारी ओवल है, सब स्फेरिकल है। अब सब स्फेरिकल है तो अलग अलग कैसे करोगे? तो हम उनकी केमिस्ट्री के हिसाब से उन्हें कलर दे देते हैं और अलग अलग कर देते हैं। तो इसलिए प्लांट एनाटॉमी में
स्टेनिंग की इम्पोर्टेंस आ जाती है कि स्टेन करके देखेंगे, कलर देखे, जैसे आप स्कूल तो बंद ही चल रहे हैं तो अदरवाइज आप स्लाइड बनाओगे तो स्लाइड प्रिपरेशन के टाइम पे स्टेनिंग की जाती है, कलर दिया जाता है, फिर उनको स्टडी करते हैं। तो दिस इज एनाटॉमी, है ना। यहाँ के हिसाब से अगर हम डेफिनेशन लेंगे तो ये स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और कैसे करनी है, आफ्टर सेक्शन कटिंग एंड स्टेनिंग, उसको कलर दिया जाएगा और फिर यूजिंग माइक्रोब, फिर इसके बाद आएगा ऑब्जर्वेशन यूजिंग माइक्रोस्कोप, मतलब आपको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन मिलेगा। तो ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। अब आपको एनाटॉमी में जो पढ़ना है वो फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना है। फ्लावरिंग प्लांट सेम, हम एक एंजियोस्पर्म के हिसाब से एनाटॉमी पढ़ेंगे। यहाँ इस पूरे चैप्टर में जितनी एनाटॉमी डिस्कस की गई है वो भी केवल रूट स्टेम लीफ तक की है, मतलब हमें वेजिटेटिव पोर्शन की ही एनाटॉमी पढ़नी है, हमें फ्लावर की एनाटॉमी, फ्रूट की एनाटॉमी या सीड की एनाटॉमी नहीं पढ़नी। फ्लावर की एनाटॉमी है बट 12th के सिलेबस में है, फ्रूट और सीड की एनाटॉमी तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। अगर कुछ काम का होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे वरना नहीं आएगा। फ्लावर की एनाटॉमी आप 12th में पढ़ोगे कि एक स्टेमन अंदर से कैसा दिखाई देता है, एक कार्पल सेक्शन कट करके देखोगे तो कैसी दिखाई देगी, लाइक दिस, है ना। अब अगर हम एनाटॉमी मान लीजिए स्टडी कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, सेल मिलेंगी। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। प्लांट में भी अगर आप स्टडी करोगे तो सेल आएगा, टिश्यू आएगा, आगे के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम सेल की स्टडी करेंगे तो सेल तो बेसिकली सेल वाले चैप्टर में दिया है, एक प्लांट सेल एक एनिमल सेल कैसी दिखाई देती है, तो यहाँ सेल से स्टार्ट नहीं होता एनाटॉमी। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टिश्यू आएगा, फिर टिश्यू के बाद ऑर्गन आना चाहिए, फिर ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम आना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गन तो प्लांट के अंदर बहुत कम है, एनिमल में तो आपको अलग अलग ऑर्गन दिखाई देते हैं। किडनी की एनाटॉमी अलग है, हार्ट की अलग है, लिवर की अलग है और बाकी किसी बॉडी पार्ट, बोन की अलग है, कार्टिलेज की अलग है, सबके आपके कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर पढ़ाए जाएंगे आपको। टूथ की एनाटॉमी अलग है, लेकिन प्लांट में पार्ट है ही कितने, रूट स्टेम लीफ। और जब आप उनकी ऑर्गन, प्लांट की अगर ऑर्गन कहा जाए तो क्या ऑर्गन है प्लांट में, एक रूट ऑर्गन है, एक स्टेम या ब्रांच है और एक लीफ है। जब इनको आप इंटरनली कट करोगे तो सारे टिश्यू तो एक ही जैसे होते हैं तो सबके स्ट्रक्चर भी एक जैसा बन जाता है। तो यह ऑर्गन नहीं आएगा, सीधे टिश्यू आएगा और टिश्यू के बाद टिश्यू का सिस्टम आ जाएगा। जैसे अगर आप कंपेयर करो कि हम एनिमल से कंपेयर करें तो एनिमल में क्या है, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, प्लांट में क्या आ जाएगा, टिश्यू एंड डायरेक्टली टिश्यू सिस्टम। सेल की बात अगर हम करेंगे तो प्लांट सेल या एनिमल में एनिमल सेल, तो उसके लिए अलग से चैप्टर दे रखा है आपको, सेल का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कि एक प्लांट सेल या एक एनिमल सेल या एक फंगी की सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, सेल से रिलेटेड जो भी कुछ है वो एक अलग से चैप्टर में आपको समझा रखा है। तो यहाँ टिश्यू पढ़ेंगे, टिश्यू का सिस्टम पढ़ेंगे और भी बाकी के दो टॉपिक्स और आएंगे, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे जब इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में हमारे लिए पहला टॉपिक जो आएगा वो टिश्यू आएगा। फोर सेक्शन है, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, उसके बाद रूट और स्टेम और लीफ, डाइकॉट मोनोकॉट में तो 6 डायग्राम दिए हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है, वो प्रैक्टिकल है बेसिकली। 11th का स्कूल नहीं हो रहा है तो आप पढ़ोगे, अदरवाइज वो आपको प्रैक्टिकल में भी कराए जाते हैं कि एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट की रूट स्टेम लीफ काट के स्टेन करो, सेक्शन काटो, स्टेन करो, माइक्रोस्कोप से देखो, प्रैक्टिकल फाइल में नोट करो, लाइक दिस। और प्लांट पे एक चौथा टॉपिक आएगा इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट में ग्रोथ लाइफ की हर स्टेज में होती है, जैसे एनिमल्स में नहीं होती। हमारी बॉडी 20-21 साल तक ग्रो कर जाती है, इसके बाद हमारी ग्रोथ नहीं होती। एक लीवर का साइज जितना होना होगा बड़ा वो हो जाएगा, हार्ट को जितना ग्रो करना है कर जाएगा, उसके बाद कोई ग्रोथ नहीं होती। अगर कोई डैमेज हुई तो परमानेंट डैमेज होगी, कभी रिकवर नहीं होगा। लीवर अगर कट गया, लीवर का टिश्यू डैमेज हो गया तो वो डैमेज ही रहेगा, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई तो हमेशा रहेगी। प्लांट में ऐसा नहीं होता, आप लीफ तोड़ दीजिए दूसरी निकल आएगी, आप स्टेम या ब्रांच तोड़ दीजिए दोबारा से निकल आएगी। प्लांट हर टाइम पे ग्रो करते रहते हैं,
तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। एक तो प्राइमरी ग्रोथ हुई प्लांट की, जो मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा कि सीड जर्मिनेट करेगा तो उससे रेडिकल से रूट बनेगा और प्लीम्यूल से शूट यानी स्टेम ब्रांचेस और लीफ बनेंगी, ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ है। एक सर्टेन टाइम के बाद इन्हीं प्लांट पार्ट में सेकेंडरी ग्रोथ का भी प्लांट के पास ऑप्शन है। तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसी होती है वो भी हम पढ़ेंगे। एनाटॉमी चैप्टर तो छोटा है लेकिन वेटेज मॉर्फोलॉजी से ज्यादा ही है, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन नीट में आने ही है एनाटॉमी से, इस साल भी आए थे 4। तो चैप्टर छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हमारा पहला टॉपिक, सर एक बार दोबारा बोल देते, आपकी आवाज नहीं आई। मैंने बोला कि चैप्टर छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जितना वेटेज मॉर्फोलॉजी का है उतना ही एनाटॉमी का है। 4 to 5 क्वेश्चंस मॉर्फोलॉजी से, 4 to 5 क्वेश्चंस एनाटॉमी से। बट जब आप पढ़ोगे क्लास वाइज की एनाटॉमी में कितना टाइम लग रहा है या मॉर्फो में कितना टाइम लग रहा है, तो जब चैप्टर ही पूरा हो जाएगा तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि ये तो मॉर्फोलॉजी से बहुत छोटा है, यहाँ तो याद भी हमें कम रखना है। मॉर्फोलॉजी में तो बहुत सारे एग्जाम्पल और कंडीशन है, टर्मिनोलॉजी है, तो कम टाइम में या आप कह सकते हैं कम एफर्ट से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप उतने ही नंबर ला सकते हैं जितने मॉर्फोलॉजी से लाते हैं, इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बोला था कि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला जो हमारा पार्ट आएगा दैट इज टिश्यू। हम टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। टिश्यू क्या होता है, पहले टिश्यू पढ़ लेते हैं फिर टिश्यूज पे बाद में जाएंगे। टिश्यू का मतलब क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। एक सेल्स का ग्रुप बनाना है, आपने 1000, 1200, 1500, 20,000 सेल्स बना ली, एक ग्रुप बना दिया, नंबर ऑफ सेल्स है। सारी सेल्स में कॉमन क्या है कि ये जो सारी सेल्स हैं इनका ओरिजिन और इनका फंक्शन एक होना चाहिए, मतलब ये सारी सेल्स कहीं से बनी होंगी तो जहां से बनी है वो पेरेंट सेल एक होनी चाहिए। और ये एक सेल डिवाइड करके अगर लाख सेल बना रही है तो वो लाखों सेल का ओरिजिन ये एक सेल हो गई, तो सिमिलर ओरिजिन हो गया। अब जब ये सारी सेल्स बन जाएंगी तो इनका फंक्शन कॉमन आएगा, ये नहीं कि इनमें से कोई अलग फंक्शन कर रही है, कोई दूसरा फंक्शन कर रही है, कोई तीसरा कर रही है, ऐसा नहीं, सबका फंक्शन भी कॉमन होगा। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या हो गई, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल क्लियर हैविंग ए कॉमन ओरिजिन, ओरिजिन कॉमन है, एंड यूजुअली परफॉर्मिंग ए यूजुअली परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। कॉमन फंक्शंस परफॉर्म करेंगी है ना, तो उसको हम टिश्यू बोल देंगे। क्लियर। अब टिश्यू दो टाइप के होते हैं, किस बेसिस पे है कि ये डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, केवल सेल्स में डिवीजन की कैपेबिलिटी पे जाना है हमें कि वेदर द सेल्स आर डिवाइडिंग और नॉट, इस बेस पे ये टिश्यू दो टाइप के हैं। सर, बोलो। ऑलवेज परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन होना चाहिए ना। एक्चुअली उसमें इश्यू है इसलिए मैंने यूजुअली लिख दिया है, बिकॉज ऑलवेज में अभी हम जब आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यू तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, ये जनरलाइज डेफिनेशन है ना। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि लिविंग की स्टडी करनी है, पर जैसे ही आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो पता चलता है कि प्लांट और एनिमल के अंदर तो बड़े सारे चेंजेस हैं। अभी हम पढ़ेंगे देर आर फ्यू सेल्स जो डेड होती हैं, आती तो बायोलॉजी में ही है। अगर आप जैसे आपने ये चैप्टर अगर पहले से पढ़ रखा है तो हमारी बॉडी में अच्छा कुछ डेड होता है क्या, एनिमल बॉडी में बताओ, हमारी बॉडी में कोई यस डेड पार्ट है, क्या है डेड? सर, सर हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, सर हमारा हेयर हो गया, हमारे नेल हो गए, हाँ, एनिमल में हूफ्स हो गए, तो वो भी तो स्टडी यहाँ बायोलॉजी में मतलब ह्यूमन के साथ ही करते हैं ना, हेयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो स्किन के साथ ही पढ़ा दिया जाता है। बोन्स में डेड मास भी होता है, लिविंग ऑस्टियोसाइट्स भी होती हैं, पढ़ाई तो दोनों एक साथ ही जाती है ना। तो अगर बायोलॉजी को केवल लिविंग की डेफिनेशन बोला जाता तो गलत डेफिनेशन पढ़ा दी गई इसका मतलब आपको। एक्चुअली उस टाइम तक वही सही था, क्योंकि जब आप 6th 7th में बायोलॉजी पहली बार सब मतलब टर्म्स सुनते हैं तो 6th 7th की नॉलेज के हिसाब से सिर्फ ये बता दिया जाता है कि लिविंग की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं, बट जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे उस डेफिनेशन में टर्म्स कंडीशन और जो एक्सेप्शन है वो सब अप्लाई होते चले जाते हैं। सेम विद द केस ऑफ एयर,
अभी हमने यहाँ पे टिश्यू की डेफिनेशन क्या लिखी, आप कहेंगे सर टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, तो लिख दिया गया आंसर यही आएगा, दिस इज द राइट आंसर। कॉमन फंक्शन होना चाहिए यूजुअली, और कॉमन ओरिजिन होना चाहिए। आगे हम जब टिश्यू पढ़ेंगे 2-3 क्लास के बाद उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे मैं खुद ही आपको बता दूंगा कि यहाँ पे सेल्स तो हैं, टिश्यू भी है, बट उनका ओरिजिन कॉमन नहीं है। अब उनके आगे क्या टिश्यू वर्ड लिखा है तो हटा दोगे? नहीं हटा सकते, एक्सेप्शन केस है। या उनका फंक्शन भी जो है वो कॉमन नहीं है, कुछ अलग कर रही है और बाकी सारी जो बल्क ऑफ द सेल्स है वो एक साथ काम करती है, कुछ उसमें से है जो दूसरा काम भी करती है। तो इसलिए जो ऑलवेज वाली बात है, जो रिजिडिटी वाली बात है, दिस लाइन इज नॉट यूनिवर्सल ट्रुथ कि आप हर जगह टिश्यू के लिए ही अप्लाई करेंगे। इन मोस्ट ऑफ द केस ये लाइन एप्लीकेबल है, इसलिए वो ऑलवेज नहीं लिखा। आप ऐसे भी टिश्यू पढ़ेंगे जिसमें ये कॉमन ओरिजिन भी नहीं आएगा, उनके ओरिजिन भी अलग अलग होंगे, तब भी वो एक ही टिश्यू कहलाते हैं। सो इसी तरीके से कि जितना डिटेल में जाओगे उतनी चीजें निकल निकल के आती जाएंगी। फिर पुरानी डेफिनेशंस आप कह सकते हो, मैं कह सकता हूँ कि गलत हो गई, लेकिन उस टाइम के लिए वो ठीक था क्योंकि डिटेल आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में। अब हायर क्लासेस में बायोलॉजी थोड़ा पढ़ाएगा, हायर क्लासेस में तो आपको सीधे सीधे पढ़ाया जाता है कि बॉटनी या जेनेटिक्स या मॉलिकुलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, जो आपके लिए एक चैप्टर है हायर क्लास में, वो 4 साल की डिग्री है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। आपके लिए एक या दो चैप्टर है 12th की NCERT। तो डिफरेंसेस इसी बेसिस पे हैं कि हम जब इनको इलाबोरेट करेंगे तो ये लाइन में जो टर्म्स कंडीशन है वो दिखने लगेंगी आपको, है ना। दो टाइप के टिश्यू होते हैं और सर ये डिपेंडिंग ऑन सिस्टम्स द, के सेल्स स्ट्रक्चर ही मतलब स्ट्रक्चर बेसिस पे भी सेम सिमिलर ही होने चाहिए। नहीं अभी तो डेफिनेशन में यही लिखा है, लेकिन अब मैं बताता रहा हूँ कि जब हम टिश्यू के फर्दर क्लासिफिकेशन पे जाएंगे तो जहां जहां पे डिफरेंसेस हैं, मतलब जहां जहां पे ये डेफिनेशन कॉमन नहीं आएगी, वहां वहां पे जो चेंजेस नहीं आएंगे सर, वो आपको बता डेफिनेशन में तो दूंगा। सिर्फ ओरिजिन और फंक्शन लिखा है ना, मैं स्ट्रक्चर पूछ रही थी स्ट्रक्चर वेरिएबल है सबका, अलग अलग टिश्यू का अलग अलग स्ट्रक्चर है, सर। ये नहीं, एक कॉमन ही नहीं है। टिश्यू के कंपोनेंट सेल्स का। अच्छा हाँ उनका तो ऑब्वियसली बात है, ग्रुप ऑफ सेल है तो सिमिलर सेल्स होंगी, यस सर। और फिर वो भी है कि सिमिलर सेल है तो सिंपल टिश्यू होंगे, फिर अगर डिफरेंट सेल्स भी बना दोगे तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू या स्पेशल टिश्यू आ जाएंगे। तो अभी बहुत कुछ है, अभी हम केवल एक जनरल डेफिनेशन टिश्यू की पूरी करते हैं, आगे जाएंगे तो हर चीज को क्लैरिफाई करते जाएंगे। डिवीजन की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली कि ये सेल्स डिवाइड करेंगी या नहीं करेंगी, ये दो टाइप के टिश्यू कहलाते हैं। वन इज कॉल्ड मेरिस्टमैटिक टिश्यू, इनमें जो सेल्स होंगी वो मेरिस्टमैटिक सेल्स बन जाएंगी। अनदर इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू, इनमें जो सेल्स होंगी वो परमानेंट सेल्स बन जाएंगी। मेरिस्टमैटिक टिश्यू फिर क्या हो गए, वो जो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते हैं, दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड, इनमें डिवीजन होता रहता है मेरिस्टमैटिक टिश्यू में, है ना। और कुछ नहीं होगा, केवल डिवीजन होगा, दे डिवाइड डिवाइड एंड रीडिवाइड, इनके अलावा इनका कोई काम नहीं होता। जब ये केवल डिवाइड ही करती रहेंगी तो फिर होगा क्या, सारी सेल्स एक जैसी हो जाएंगी, जब सेल डिवाइड कर रही है कोई काम तो हो नहीं रहा, केवल डिवीजन डिवीजन एंड डिवीजन हो रहा है, तो सेल्स कैसी हो जाएंगी, उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, उनमें कोई अलग स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे, सबका स्ट्रक्चर भी एक जैसा ही आ जाएगा। सो इनको बोला जाता है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। मेरिस्टमैटिक टिश्यू क्या बन गया, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बन गया, है ना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब ये हर जगह नहीं होती, ये आपको सिर्फ वहां मिलेंगी जहां से बॉडी पार्ट ग्रो करता है। जैसे हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा तो रूट पे रूट का मेरिस्टम आपको बना के दिखाया था, जोन ऑफ सेल डिवीजन, जो रूट कैप को अंदर की तरफ आ रहा था। और शूट का जब स्ट्रक्चर बनाया था तो वहां पे शूट मेरिस्टम भी लिखा था आपने, एक्सिलरी बड में भी मेरिस्टमेटिक था इसीलिए वहां से फ्लावर या इनफ्लोरेसेंस बन पाया, तो और नोड पे भी मेरिस्टम था जिसकी वजह से वहां से लीफ अराइज हो पाई या वहां से एडवेंटिशियस रूट्स अराइज हो पाई। तो ये हर जगह नहीं मिलेंगे आपको, ये केवल कुछ जगह पे जो ग्रोइंग पॉइंट्स कहलाते हैं, जहां से ग्रोथ होती है, बिकॉज ग्रोथ होने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि ग्रोथ के लिए दो एस्पेक्ट होते हैं, आइदर बाय इंक्रीज इन नंबर और बाय इंक्रीज इन मास। तो अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन की तो कैपेबिलिटी केवल इनमें है, इनमें तो है नहीं। तो प्लांट में अगर कहीं भी कोई स्ट्रक्चर सेल डिवीजन में नंबर से इंक्रीज होने से कोई ग्रोथ हो रही है तो बिकॉज ऑफ दिस होगा,
जहां जहां पे ग्रोथ हो रही है या प्लांट के अंदर ग्रोथ बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हो रही है, तो उसका रीजन क्या होगा कि वहां जो सेल्स डिवाइड कर रही है वो सेल्स कौन सी होंगी, वो मेरिस्टमेटिक सेल्स या मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहलाते हैं। तो ये आपको मिल जाएंगे, ये कहाँ मिलेंगे, दे आर रेस्ट्रिक्टेड, है ना, दे आर लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड एरिया। सर ये लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू सिंपल स्पेशलाइज्ड एरिया बता दीजिए एक बार, मेरे डिस्कनेक्ट हो गई थी, आवाज नहीं आ रही थी बहुत देर से। लार्जली रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, ये हर जगह प्लांट में नहीं मिलेगा, ये आपको जो जो एरिया स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड एरिया कौन से हैं वो अभी हम आगे और पढ़ेंगे, बट कुछ एरिया है प्लांट के अंदर रेस्ट्रिक्टेड, केवल वहीं पे आपको ये टिश्यू मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जैसे हमारी बॉडी में अगर कहा जाए कि हमारी बॉडी में ग्रोथ कहाँ हो रही है, सेल्स कहाँ डिवाइड कर रही है, आप सोच के देखो कि अगर हम 20-21 साल के हो गए तो क्या हमारी बॉडी में कहीं पे कोई सेल डिवाइड कर रही है, बताओ। यस सर कर रही है आप कौन सी सेल डिवाइड कर रही है, सर, वो हीलिंग और जो लॉस सेल्स होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। हाँ, अब हीलिंग तो इंजरी होगी तब होगी, मान लीजिए इंजरी नहीं हुई तो हीलिंग वाली चीजें हटा दीजिए, बट जो दूसरा आपने बोला कि जहां जहां पे सेल्स डेली लॉस्ट होती हैं, जैसे आरबीसी आपकी डेली बनती है, डेली टूटती है, डब्ल्यूबीसी का भी लाइफ स्पैन 2 से 3 दिन का होता है, आपकी स्किन कॉन्टिन्यूअसली रिप्लेस होती रहती है, स्किन के नीचे की लेयर लिविंग है और स्किन के ऊपर की लेयर डेड है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपकी स्किन जो है वो कब चेंज हो जाती है आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके टंग के ऊपर की जो लेयर है वो कॉन्टिन्यूअसली स्लॉग्ड ऑफ होती है, अपने आप सेल टूट टूट के हटती रहती है, आपके एड़ियां होती हैं एंकल्स, उस पर देखोगे तो एड़ियों की खाल हमेशा निकलती रहती है, नई स्किन आती रहेगी पुरानी हटती रहेगी, तो नई आ रही है तो डिवीजन से ही तो आ रही होगी, बट क्या ये चीजें आपको पूरी बॉडी में नजर आ रही है, नहीं, पूरी नो बॉडी में सर क्यों नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, जो भी हमारे सेल्स डिवाइडिंग वाले होते हैं किसी मैच्योर बॉडी के अंदर तो वो हर जगह नहीं होते, दे आर वेरी रेस्ट्रिक्टेड टू द स्पेसिफिक एरिया। वही बात प्लांट के लिए भी है कि प्लांट में आपने पढ़ा कि हर चीज सर नोड से क्यों बन गई, पूरी मॉर्फोलॉजी तो पढ़ ली हमने, हमने कहा था कि टैप रूट के अलावा बॉडी का कोई भी हिस्सा, प्लांट बॉडी का कोई भी हिस्सा नोड से बन जाएगा, भाई नोड से क्यों बनेगा, इंटर नोड में क्यों नहीं बन गया, बिकॉज नोड में ये है, इंटर नोड में ये होते ही नहीं तो कहां से बनेगा, कोई भी चीज नया बनाने के लिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो चाहिए जो डिवाइड करके नया बनाएगा, नई लीफ आने के लिए लीफ छोटी सी तो बने, छोटी सी लीफ बनेगी तब जब सेल डिवाइड करेंगी, अब सेल डिवीजन के लिए जो एरिया है, जो नोड है, जो मेरिस्टमेटिक एरिया है वो होता ही नोड पे है, इसीलिए हर चीज नोड से निकलती है, इंटर नोड से तो कुछ नहीं निकलता, जितनी ब्रांच है, जितनी स्टेम है, जितने लीफ है, फ्लावर है, इनफ्लोरिसेंस है, एडवेंटिशियस रूट है, सब नोड से बनता है, टैप रूट को छोड़ के आप नोड से कुछ भी बना सकते हैं, तो इसीलिए ये लाइन लिखी गई कि दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एरिया, जहां पर ये रेस्ट्रिक्टेड होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड मेरिस्टेम, जैसे आपने रूट का मेरिस्टेम पढ़ा, शूट का मेरिस्टेम पढ़ा, आगे हम और भी पढ़ेंगे यहाँ इस चैप्टर में, वो तो मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में ही बना के दिखा दिया कि रूट का मेरिस्टेम रूट के अपेक्स पे था, शूट का मेरिस्टेम शूट के अपेक्स पे था, लाइक दिस, तो ये लार्जली यानी रेस्ट्रिक्टेड है टू ए पर्टिकुलर एरिया, दैट एरिया इज कॉल्ड मेरिस्टेम, है ना। मैं आपको अगर एग्जाम्पल में, अभी हम इसको आगे ले ही जाएंगे तो अभी यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, इतना फिलहाल आपको याद रखना है। अब जब इन सेल में डिवीजन रुक जाएगा, जैसे ये डिवीजन अपना बंद करेंगी, तो फिर इनमें डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आगे अलग अलग स्ट्रक्चर बनने हैं, लीफ अलग है, ब्रांच अलग है, स्टेम अलग है, और एनाटॉमी के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर भी आएंगे, तो फिर ये डिफरेंशिएटेड हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड, दे डिफरेंशिएटेड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, सबके काम अलग अलग होते हैं, रूट का काम अलग था, स्टेम का काम अलग था, लीफ का अलग था, ये आ जाएंगे, है ना, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, नॉट रेस्ट्रिक्टेड, बॉडी मतलब प्लांट बॉडी, क्योंकि हम तो प्लांट की ही एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, है ना, रेफरेंस में कुछ जू के एग्जाम्पल ले लिए, अदरवाइज हमें प्लांट एनाटॉमी पे ही जाना है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया, मतलब जब ये वाली सेल्स डिवाइड करना बंद करेंगी तो इसमें चेंज हो जाए, ये वाली सेल कहाँ से आएंगी, आएंगी यहीं से, एक मेरिस्टेम ही एक परमानेंट में चेंज होता है, तो
तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंसिएशन. यही तो डिफरेंस था, डिवीजन रुक गया और डिफरेंसिएशन हो गया, सब अलग अलग हो गए. अलग अलग हो गए तो मेरिस्टम से क्या बन गया? परमानेंट बन गए. अब परमानेंट पे फिर जब इनके फंक्शंस को अलग अलग करोगे तो इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है. ऐसे यहाँ पे ये कहाँ प्रेजेंट है तो इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है. तो अभी तो हमने केवल मेरिस्टम को परमानेंट से अलग किया. मेरिस्टम डिवाइड करते हैं इसलिए वो सब एक जैसे हैं, अनडिफरेंशिएटेड. परमानेंट डिवाइड नहीं करते, सबके काम अलग अलग है तो सबका स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया, तो मतलब डिफरेंशिएटेड. परमानेंट पूरी बॉडी में होते हैं, मेरिस्टमेटिक बॉडी में कुछ जगह है जहां पे वो रेस्ट्रिक्टेड है, केवल वहीं मिलेंगे और किसी जगह पे वो नहीं मिलेंगे. बेसिक डिफरेंस है. बोलो सर, जो मेरिस्टमैटिक सेल्स हैं वो तो बॉडी में कुछ कुछ जगह ही हैं, तो फिर जब ये डिवाइड होना बंद करती हैं तब ये पूरी बॉडी में कैसे स्प्रेड हो जाएंगी तो वो तो स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो आपको उसी हिसाब से बनाना है. आपने रूट का स्ट्रक्चर तो पढ़ा ना, रूट का स्ट्रक्चर तो पढ़ाया था, याद है? रूट का ये बनाया था डायग्राम. ये सारे कॉन्सेप्ट तो पहले ही क्लियर कर दिए, इसलिए आपको ये रूट कैप है. तो रूट का मेरिस्टम तो यही था ना केवल. और यहां से मान लीजिए रूट हेयर बन गए जो मैच्योर यानी परमानेंट सेल्स हैं, परमानेंट टिश्यू, और फिर और ज्यादा डिवीजन हो गए तो ये और ज्यादा ग्रो कर जाएगी. ये जोन ऑफ मेरिस्टम मैच्योरेशन था, ये रूट हेयर जोन था, ये इलोंगेशन जोन था जो इसके और इसके बीच में आ गया, है ना? तो अब मेरिस्टम तो यहाँ पे है बट रूट तो बहुत लंबी होती है, कैसे बनेगी? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ की सेल्स पीछे जाती जाएंगी क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रही है ना. मान लीजिए यहाँ पे 10 सेल थी, 10 से ये 100 हो गई, 100 से ये 1000 हो गई, 1000 से ये 10,000 हो गई. तो 10,000 हो जाएंगी तब भी यहाँ पे 10 ही रहेंगी, इसका मतलब बाकी की 9,900 कहाँ जाएंगी? ये पीछे चली जाएंगी. जब ये 1000 थी तब भी ये 10 थी, बाकी की 990 कहाँ पे है? ये पीछे है. जब ये 100 है तो अभी यहाँ पे 10 होंगी, बाकी की 90 कहाँ पे है? पीछे है. और जब ये 10 थी तब तो ये 10 थी. टिप तो हमेशा इतनी बड़ी रहेगी, 10 सेल्स का नंबर ऐड करके पीछे पहुंचता रहेगा, इसीलिए तो ग्रोथ होती है ना. जैसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, हालांकि वो एनाटॉमी के हैं, कि अगर मान लीजिए एक ट्री है ऐसे, ये ग्रो कर रहा है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कील ठोक दी, एक पिन लगा दी. अब 10 साल बाद अगर हम कहें कि 1 साल में 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाती है पर ईयर, तो 10 साल में इस पिन की पोजीशन क्या होगी बताओ? एक ट्री में आपने क्या किया, एक कील लगा दी और आपको एक डेटा दे दिया गया कि एक पेड़ 1 साल में 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ा लेता है, तो 10 साल के बाद इस कील की पोजीशन क्या होगी? 10 सेंटीमीटर जहां है वहीं रहेगा. अरे कील कैसे ग्रो कर लोगे यार, कॉमन सी बात है, मत लगाओ लॉजिक, मत पढ़ो बॉटनी. तब भी क्या कील को ऊपर पहुंचा दोगे? कील कैसे पहुंच जाएगी ऊपर? ग्रो तो ये कर रहा है ना, ये कर रहा है तो यही तो बढ़ेगा, ये तो यही कहीं रहेगा. वो तो खाली क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, ऑलरेडी नीट के एग्जाम का ही क्वेश्चन है. आगे पढ़ोगे सेकेंडरी ग्रोथ में आपको ये कराऊंगा, क्योंकि तब ट्री बन जाएगा. अभी तो ट्री बना ही नहीं है, अभी तो केवल एक छोटा सा प्लांट के जैसा स्ट्रक्चर. अभी तो हम प्राइमरी ग्रोथ पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ोगे तो उसका ये आंसर आएगा. आप प्रैक्टिकली सोच के देखो ना दिमाग में अपने लाके, कि अगर मैं कील किसी प्लांट में ठोक दूं तो क्या कील ऊपर पहुंच जाएगी? ऐसा थोड़ा ना होता है. ट्री ग्रो करेगा तो ट्री तो टिप्स पे ग्रो करेगा ना, टिप्स पे डिवीजन है, टिप्स पे डिवीजन है तो टिप्स टिप्स आगे चली जाएगी. टिप्स जो ऐड करेगी वो परमानेंट टिश्यू होगा. कील आपने परमानेंट में लगाई थी, वो कहां पहुंच जाएगी? कहीं नहीं पहुंचेगी, जहां लगी है वहीं रहेगी, 100 साल भी बाद भी यहीं रहेगी. आपने मूवीज में देखा होगा वो ट्री में दिल का निशान बना के चले जाते हैं और फिर 10 साल बाद जाते हैं तो वो दिल का निशान वहीं का वहीं है. ये काय को नहीं हील हो गया? आप कह रहे हो ना कि टिश्यू हील हो जाते हैं, क्योंकि जिस एज में ये बनाया गया था उस एज में यहाँ पे कोई ग्रोइंग पॉइंट नहीं है. ग्रोइंग पॉइंट तो ट्री का कोई ब्रांच होगी वहां पहुंचा होगा, तो हीलिंग भी होगी तो यहीं से होगी ना, यहाँ थोड़ा होगी. जैसे था वैसे ही बना रहेगा. आप किसी भी पार्क में जाके किसी ट्री पे आप उसको स्क्रैप करके चले आइए और फिर आप 2 महीने 4 महीने बाद रोज पार्क टहलते देखते रहिए, जहां है वही मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा. हमारी बॉडी अलग सिचुएशन है ना, हमारी बॉडी की सिचुएशन और प्लांट बॉडी की सिचुएशन अलग है. इसीलिए तो पहले बोला हमारी बॉडी में ग्रोथ अप टू ए लिमिटेड है,
अगर किसी छोटे बच्चे को चोट लगेगी तो उसकी स्किन में जो घाव है वो हील हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। छोटे बच्चों की हड्डियां टूट जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वैसे भी अगर आपने पढ़ा हो तो बेबीज के अंदर नंबर ऑफ बोन्स बहुत ज्यादा होती हैं, धीरे धीरे वो जुड़ती हैं, तब जाके फाइनल फिगर आपका 206 बोन्स आता है, जो एक मैच्योर ह्यूमन के अंदर स्केलेटन में प्रेजेंट होती है। तो क्योंकि उनकी बॉडी रैपिडली ग्रो कर रही है तो हीलिंग भी फास्टर हो जाएगी। और किसी को अगर ओल्ड एज में चोट लग गई तो हील होने में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज ओल्ड एज में तो सेल्स डिटोरिएट करना शुरू कर देती हैं, सेल्स टूटना शुरू कर देती हैं, और हम चाहते हैं कि सेल्स जुड़ना शुरू कर दें। तो ओल्ड एज में तो फिर होता है, कहते ही है कि बुजुर्ग लोगों को तो संभाल के चलना भी पड़ता है, वो तो जरा सा ठोकर खाएंगे तो और उनके गिर गए तो हड्डी टूट जाती है। बच्चा तो पता नहीं कितनी बार गिरता है, उसकी तो कभी नहीं टूटती। तो दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि अगर कोई इंजरी हुई भी होगी तब भी वो ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही है, इतनी तेजी से सेल्स डिवाइड करके उस जगह को भर रही है कि अनएक्सपेक्टेड सा लगता है कि 2 दिन पहले तो चोट लगी थी, अब 2 दिन बाद तो फिर वो दौड़ने लगा। और यही चीज अगर एडल्टहुड में हो तो आपको 2 महीने लग जाएंगे, और अगर यही ओल्ड एज में हो तो 2 साल में भी रिकवर होगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज एज के हिसाब से सेल्स के डिवाइड करने की कैपेसिटी भी कम होती जाती है। ये भी नहीं होता कि रूट एक प्लांट में 2 दिन पुरानी है और 2 महीने पुरानी है तो दोनों का मेरिस्टम एक ही जैसा होगा, ये भी नहीं है, ये भी गलत है स्टेटमेंट। 2 महीने में जो मेरिस्टम आप देखोगे तो बहुत यंग है, फास्टर ग्रोथ होगी। 2 साल वाला मेरिस्टम लोगे तो ओल्ड एज का मेरिस्टम हो गया, स्लोअर ग्रोथ रेट होगा, और अगर 20 साल है तो और स्लो होगा। प्लांट तेजी से कब ग्रो करते हैं, जब वो छोटे होते हैं, एक सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद उनमें ग्रोथ कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। ऐसे हमारी बॉडी का भी है ना। आगे आप जब पढ़ोगे, जब आपको 12th में पढ़ाऊंगा तो फिर वहां पे ह्यूमन एग्जाम्पल्स भी आएंगे, बिकॉज वहां पे हम पॉपुलेशन के हिसाब से ग्रोथ को पढ़ रहे होंगे या जेनेटिक्स पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे भी ये बातें आएंगी। एक बच्चा जब होता है तो वो छोटा सा बेबी दिखाई देता है, उसको आप 6 महीने मत देखो, 6 महीने बाद देखोगे तो आप खुद ही कहोगे अरे बहुत बड़ा हो गया, अभी 2 महीने पहले तो बड़ा छोटा सा था। लेकिन आज अगर ये सिचुएशन हो तो क्या होगा, आपके क्या मॉर्फोलॉजी में कोई चेंजेस आएंगे क्या? अगर आपको 2 साल बाद भी कोई देखेगा तब भी आपकी बॉडी वही की वही है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एज में 14 साल तक आपकी जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत तेजी से हो रहे हैं, कि अगर 2 दिन बाद या 2 महीने बाद या आपने कुछ 2 साल के बाद देखा तो आपको खुद ही लगेगा अरे बड़ा बदल गया, बहुत बड़ा बड़ा सा लग रहा है। लेकिन जब एज मैच्योर एज आ जाएगी, जैसे प्लांट में भी है कि जब एक प्रॉपर हाइट का प्लांट बन जाएगा तब आपको क्या होगा, बस 2 पत्तियां टूटेंगी, कल को 2 नई निकल आएंगी, प्लांट उतने का उतना ही रहेगा। तो ये चीज क्यों है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेरिस्टम। अगर मेरिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया होता, कि उन्हें सर्टेन एरिया पे रेस्ट्रिक्ट किया गया है, अगर ये नहीं होता प्लांट में, फिर तो प्लांट से एडवांटेजियस रूट्स हर जगह से निकल आती है ना। हमने क्यों पढ़ा कि वो नोड से निकलती है, बिकॉज उसका इंटरनल रीजन क्या है कि नोड पे मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, इसलिए नोड से अराइज होती है। अगर नोड की जगह हर जगह मेरिस्टम बना दोगे तो हर जगह से अराइज हो जाएंगी, फिर तो कोई इश्यू नहीं आएगा। इसीलिए ये लाइन लिखी है बुक में कि दे आर लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन और स्पेशलाइज्ड एरिया, और उन एरिया को फिर हम मेरिस्टम बोलते हैं। क्लियर? अब हम और मेरिस्टम को आगे जैसे ले जाते से हैं। मेरिस्टेम के सेल्स होंगे वो एक बार ही डिवाइड करेंगे और एक डिवीजन के बाद फिर वो परमानेंट मतलब उनमें नहीं, डिफरेंशिएशन हो जाएगा फिर। दे हैव कॉन्टिन्यूसली डिवाइड 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 एंड रीडिवाइड नॉन स्टॉप। एक जेनेटिक प्रोग्रामिंग होती है कि वो कब तक डिवाइड करेंगे, बट दे डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड, है ना। आपने जैसे ये भी नोटिस करने की चीजें होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी इस बात को, कि हमने जब रूट का मेरिस्टम बनाया था तो ये पतला क्यों बनाया था, ऐसे जैसे यहां बनाया था, ऐसे क्यों नहीं बना लिया आपने रूट का मेरिस्टम, हमेशा ऐसे तो बनाया था हमने, ये रूट कैप बना दी थी। वाई दिस इज टैपरिंग, ये कोनिकल क्यों है, कोन लाइक क्यों दिखाई दे रहा है आपको, बिकॉज एक सेल थी, 2 बन गई, ग्रोथ नहीं हुई, 2 से 4 बन गई, 4 से 8 बन गई, 8 से 16 बन गई, बनती चली जा रही है, इनमें ग्रोथ तो हो ही नहीं रही, ये डिवाइड डिवाइड एंड डिवाइड। तो ये ऐसा और नहीं है कि सर फिर जितनी एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम होगा उसके बाद फिर वो परमानेंट में चेंज हो जाएंगी। उसके बाद पीछे से ये जो ओवर मैच्योर होती जाएंगी वो पीछे जाके परमानेंट बन जाएंगी, यहां से फिर वही ग्रोथ बनती चली जाएगी। जैसे ये बन गया टैपरिंग, अब इसके बाद यहाँ वाली सेल है तो ये तो परमानेंट में चला गया, तो ये हिस्सा अभी यहाँ पे है, फिर ये हिस्सा यहाँ पहुंच जाएगा, फिर ये हिस्सा यहाँ पहुंच जाएगा, ये हिस्सा यहाँ पहुंच जाएगा। मेरिस्टम इतना ही रहेगा, इसका सरफेस एरिया हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, कभी भी मेरिस्टम नहीं छोटा बड़ा होता। बस होगा क्या, ये यहां से यहाँ क्यों पहुंच गया, क्योंकि
क्योंकि पीछे से जो सेल डिवाइड हो रही है वो परमानेंट में चेंज हो गई। तो मेरिस्टम, जैसे ये कहा था कि रूट यहाँ पे है, और अगर आपने रूट यहाँ बनाई होती तब भी रूट की टिप तो यही आती ना, ये थोड़ा है कि यहाँ वाली टिप इतनी बड़ी हो जाएगी, ऐसे इसके आगे और ले जाओगे तब भी रूट की टिप तो यही आएगी ना। तो टिप कभी नहीं ग्रो करती, टिप का काम तो केवल है कि सेल को डिवाइड करके नंबर बढ़ाना। अब अगर वो नंबर डिफरेंशिएट होके फंक्शन वाइज पीछे ऐड हो जाएगा तो मैचुरेशन जोन बन जाएगा। टिप पे जितनी सेल है ऑल टुगेदर वो उतनी की उतनी ही रहती है, ना वो कम होती है ना वो ज्यादा होती है, अंटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल डैमेज ना हो जाए। प्लांट में तो डैमेज होगी नहीं अपने आप, हमारी वजह से या किसी हर्बीवोरस एनिमल की वजह से। अगर प्लांट में कोई डैमेज हो गई तो एक अलग केस है, देन ओनली द रूट मेरिस्टम विल बी डैमेज्ड। हम पौधे को उखाड़ दें तो हो सकता है कि रूट का टिप टूट गया हो और फिर वो डैमेज हो गई है, तो हीलिंग या रिकवरी वाली बात अगर अप्लाई होती है तो होगी, नहीं अप्लाई होती है तो नहीं होगी। अदरवाइज प्लांट में ये टिप हमेशा इतनी बड़ी रहेगी, चाहे 1 महीने पे प्लांट को देखो या 10 साल के बाद देखो। ऐड क्या होगा 10 सालों में, केवल परमानेंट टिश्यू, ये जो बार बार बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। सेल डिवाइड कर रही है तो 10 सेल ने डिवाइड करके 20 सेल बनाई, तो उसमें डिवीजन की केवल 10 रही, 10 ने क्या किया मैच्योर हो गई। फिर ये 20 सेल डिवाइड करके 40 बना रही है, तो उसमें 40 में से 30 मैच्योर हो गई, 10 की 10 वही रही। 40 से जब 80 बनेंगी तो मेरिस्टम 10 ही रहेंगे, 70 साल एक्स्ट्रा हो गई, परमानेंट में भेज दो। तो मेरिस्टम तो जितना भी बना रहा है वो परमानेंट में भेजता जाएगा, वो उतने का उतना ही रहेगा। इसीलिए ये इनकी जगह बहुत थोड़ी सी होती है पूरे प्लांट बॉडी में, उन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टम बोलते हैं। ओके, अब इसके आगे चलते हैं। मेरिस्टम के 2 क्राइटेरिया एनसीईआरटी ने लिए हैं, हालांकि डिफरेंट क्राइटेरिया है मेरिस्टम को फर्दर स्टडी करने के लिए, बट हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और दूसरा आएगा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। प्लांट में ये कहाँ लोकेट होते हैं, वो एरिया कौन से हैं, इस बेस पे पढ़ेंगे, और उनका ओरिजिन कैसे होगा हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू के फर्दर क्लासिफिकेशन है ये, पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर हम इनको डिटेल में भी देखेंगे। फर्स्ट क्या आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इन प्लांट बॉडी। ऑब्वियस है कि हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिन के बेस पे क्या, और अगर हम कहें कि लोकेशन के बेस पे, पोजीशन के बेस पे, लोकेशन लिखा हो पोजीशन लिखा हो एक ही बात है, पोजीशन इन प्लांट बॉडी, इस बेस पे क्या क्या है। ओरिजिन के बेस पे जब आप पढ़ेंगे तो ये 3 टाइप के हैं, पहले मैं नाम लिख दे रहा हूँ बाकी फिर हम इनको डिटेल में लेके चलते हैं, है ना। ओरिजिन आप समझ ही रहे हैं कि वो कहाँ से बने, मेरिस्टम भी प्लांट में कहाँ से बना, कहीं से तो बना ही होगा ना। तो प्लांट किससे बना होगा, एक जाइगोट से बना होगा, तो जाइगोट से सारे टिश्यू बने हैं, तो उसके हिसाब से ये 3 टाइप के। एक कहलाता है प्रो मेरिस्टम, दूसरा होगा प्राइमरी। क्या बोलो, आपने वो जायकोट वाली क्या बात बोली, एक बार दोबारा बता दीजिए। प्लांट बॉडी कहाँ से बनेगी, मान लीजिए हमारी बॉडी है तो कहाँ से बनी है, जाइगोट से ही बनी है ना, बस यही बोला मैंने, प्लांट भी जाइगोट से बनेगा, जाइगोट भी तो डिवाइड करेगा तभी तो हम बनेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद तो मेल फीमेल गैमेट स्पर्म एग के बाद जाइगोट ही बना ना। अब जाइगोट से डिवाइड करके हमारा एम्ब्रियो बना होगा, एम्ब्रियो से फीटस बना होगा, फीटस से बेबी बना होगा, फिर बेबी से किड्स बने, किड्स से एडल्ट बने। दीज आर द चेंजेस इन द लाइफ। ऐसे प्लांट के अंदर भी है कि मेरिस्टम कहाँ से बने, अलग अलग टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे, मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे। ऐसे ही पोजिशन के हिसाब से भी ये 3 टाइप के होते हैं, इनको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। ये हमें 6 मेरिस्टम अभी पढ़ने हैं, है ना। पोजीशन के बेस पे 3 टाइप के हैं, ओरिजिन के बेस पे भी 3 टाइप के हैं। अब इनको एक एक करके समझते हैं, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना, प्रो मेरिस्टम से। एक साथ इसलिए लिख दिया कि हम अब सीधे सीधे पढ़ लेंगे, है ना। क्लासिफिकेशन आपको एक पेज पे ही समझ में आ रहा है कि टिश्यू को हमने कैसे कैटेगराइज किया हुआ है और कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया। कर दो चेंज सी, सर जस्ट 1 मिनट। ओके।
ये सेकेंडरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम अलग अलग है? हाँ, ये ओरिजिन के हिसाब से, ये पोजीशन के हिसाब से। वो सर उसमें और करके लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में, इसी वजह से। मैं भी क्लैरिफाई करूंगा। एनसीईआरटी में तो और भी चीजें लिखी हैं, बट उतना हम पढ़ेंगे नहीं। होता क्या है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट यू ऑल्सो, कि हम जब पढ़ते हैं ना तो लाइन को जहां मर्जी से चाहे वहां से तोड़ देते हैं कि सर एनसीईआरटी में तो ये लिखा हुआ है, उसके आगे और उसके पीछे का सब पढ़ोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं लिखा एनसीईआरटी ने। बट आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ऑब्लिक लिखा हुआ है और करके, तो किस वजह से लिखा हुआ है, वो वजह मेंशन होगी। अगर वो वजह हटा दोगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे ना कि कहाँ पे ये चीज अप्लाई होगी और कहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, एंड दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में टिश्यू पूरा डिटेल में जितना हमें पढ़ना है वो ऑलमोस्ट दिया हुआ है। जो नहीं दिया हुआ वो हम देखेंगे कि अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो क्या पढ़ना है। अदरवाइज एनाटॉमी जितनी एनसीईआरटी में है उतनी ही पूछी जाती है आपसे, बिकॉज एनाटॉमी, अब मेरा अपना मानना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी सबसे कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एनाटॉमी है। जो लोग मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाई जाती है। सबसे ज्यादा बैक डॉक्टर्स की जो आती है वो एनाटॉमी में आती है, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना। आप वैसे सोचो ना, किसी को ऑपरेट करना है, हार्ट पे ऑपरेट करना है, बॉडी को कट कहां से करोगे, जहां मर्जी वहां काट दोगे क्या? क्योंकि आपको मिनिमम इंजरी के साथ हार्ट तक पहुंचना है सेफ साइड पे। या किसी को एब्डोमेन पे सर्जरी करनी है ना, सीजेरियन करना है किसी गायनी को, तो जहां मर्जी चाहे वहां चला देगा, ऐसा थोड़ा होगा। तो इसलिए एनाटॉमी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मिनिमम डैमेज और अच्छा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे। ऐसे सेक्शन कट करते हैं प्लांट के अंदर तो भी हमें देखना होता है कि हमें क्या अंदर देखना चाहते हैं और उसके लिए हमें कौन सा पार्ट चाहिए। जैसे खाना बनाने वाले बात होते हैं ना, तो उन्हें पता होता है कि हर चीज की वैल्यू क्या है, कि अगर आपको गोभी की सैलेड बनानी है तो गोभी कैसी चाहिए, और गोभी की सब्जी बनानी है तो गोभी कैसी चाहिए, अगर चावल की वैरायटी है तो राइस इडली है तो कौन सा चावल चाहिए, और अगर बिरयानी है तो कौन सा चावल चाहिए। सेम विद द केस ऑफ प्लांट एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं इसको सीरीज में लिख दे रहा हूँ स्टार लगा के, या बस अपने आप समझ जाइएगा कि कौन सा हमने ओरिजिन के हिसाब से लिया और कौन सा पोजीशन के हिसाब से। फर्स्ट वन इज कॉल्ड, आप इसको लिखोगे प्रो मेरिस्टम, या प्राइमोडियल भी कहते हैं, मैं सारे नाम लिख देता हूँ, प्राइमोडियल मेरिस्टम, या अभी हमने लिखा था प्रो मेरिस्टम। इसको आप बोलते हैं एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम, ये एम्ब्रियो में है, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम। ये सारे नाम दे सकते हैं आप एक ही चीज को। ये एक्चुअली वो है जो एम्ब्रियो में प्रेजेंट है। हमने सीड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, कल आपको पढ़ाया था शायद, कल या उससे पहले वाली क्लास में आपको मैंने सीड का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। सीड के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बना के दिखाया था एपिकोटाइल, मीजोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, है ना, आपको याद होगा। दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक एक्सिस, हमने नाम भी यही लिखा था। उसको क्या लिखा था, उसको क्या बोला था, उसको एम्ब्रियोनिक एक्सिस का नाम दिया था। अब आपसे मैं अगर ये कहूं कि ये एक आपको ऐसा डायग्राम बनाया था एनसीईआरटी में, है ना, ये दो कॉटिलेडन है और यहाँ पे बुक में लिखा है कि ये प्लीम्यूल है और यहाँ पे लिखा है कि ये रेडिकल है, ये डायग्राम याद है? यस सर। अब इसमें अगर आपसे रेडिकल से तो पता है आपको कि ठीक है, रेडिकल से आगे जाके टैप रूट बनेगा, चलिए कोई बात नहीं, इससे तो सब कुछ बनेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे प्लीम्यूल में इसकी इंटरनल स्टडी करनी पड़ेगी, इस प्लीम्यूल की एनाटॉमी में मुझे आप वो पार्ट दिखाओ जहां से लीफ बनेगी, जहां से स्टेम बनेगा, जहां से ब्रांच बनेगी, जहां से बड बनेगा, जहां से फ्लावर बनेगा, अभी तो नहीं दिख रहा ना आपको कुछ भी। क्या आपको ये स्ट्रक्चर जो यहां से बनने वाले हैं क्या दिखाई देंगे? नो नहीं दिखाई सर, देंगे, है ना, वी कांट डिफरेंशिएट एट दिस मोमेंट। ये तो मॉर्फोलॉजी है। आप ऐसे समझिए कि आपने जूलॉजी में कहां तक पढ़ लिया, डाइजेशन पढ़ लिया, यस सर, यस सर, ठीक है। तो आपने इन चीजों को सुना होगा मेरी बात, अगर आप समझ पाए कि कुछ बॉडी पार्ट एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, कुछ मीजोडर्मल होते हैं, कुछ एंडोडर्मल होते हैं। पढ़े आपने डाइजेशन में कुछ चीजों के यस लिए कि सर, लिवर मीजोडर्मल ओरिजिन का है, लाइक दिस है। यस
तो अगर आपसे ये जर्मिनल लेयर कब बनती है, ये हमारी बॉडी में जब जाइगोट से 32 स्टेज आती है ना, 32 सेल का जब छोटा सा एम्ब्रियो होता है ना, तब ये लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, 12th की बुक में आप पढ़ोगे जूलॉजी में ही। तो उस टाइम पे अगर ये कहा जाए कि उसमें मुझे लिवर ढूंढ के बताओ, आप ये कह रहे हो ना कि जाइगोट से लिवर बन रहा है, तो क्या उस टाइम पे लिवर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्या उस टाइम पे आई, किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बनेगा तो वहीं से ना, क्योंकि आपको यही तो लिखाया गया कि एक्टोडर्मल ओरिजिन का ये बॉडी पार्ट होता है, मीजोडर्मल का ये बॉडी पार्ट होता है। बट क्या मीजोडर्म में उनको लोकेट कर पाओगे? नहीं लोकेट कर सकते। उनके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, एक जेनेटिक प्रोग्रामिंग के हिसाब से धीरे धीरे स्ट्रक्चर सारे बनेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा, ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म एंड ऑल्सो फ्रॉम द सेम लेयर, जिन्हें हम जर्मिनल लेयर बोलते हैं। ये तीन होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ऐसे ही प्लांट बॉडी में अगर आप ये कहें कि एक लीफ कहाँ से बनी, ये मुझे एम्ब्रियो में दिखाओ, तो वी कांट लोकेट दैट, हम उसको ढूंढ नहीं सकते। लेकिन हमें पता है कि लीफ बनती तो है, अगर बनती है तो बनने वाला स्ट्रक्चर वही होगा। सो दैट मेरिस्टम इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम। ऐसे ही हमारी बॉडी में इन जो जर्मिनल लेयर आप पढ़ते हो, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये हमारी जर्मिनल लेयर कहलाती है, जहां से हमारी पूरी बॉडी बनती है। ये हमारा एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम कहलाता है। तो जैसे हमारी बॉडी में एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम है, वैसे ये प्लांट की बॉडी में एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम होता है। और ये कहां से बनी होंगी? ऑब्वियस है, जाइगोट से बनी होंगी, बिकॉज बॉडी की हर चीज तो जाइगोट से ही बनती है ना। तो ये जाइगोट से होंगी। इनके बारे में लिखोगे तो पहली चीज क्या आएगी? डेवलप फ्रॉम जाइगोट। और अगर आपको इससे ज्यादा समझना है तो 12th तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है ये हमारी बुक में 12th में है, फ्लावरिंग प्लांट में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। वहां पे आपको डाइकॉट मोनोकॉट का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ाया जाएगा। तो एम्ब्रियो में ये वाला पार्ट कहाँ दिखाई देगा, वो आपको 12th की बुक में मिलेगा। तो अभी तो हम सिर्फ लिख सकते हैं कि दे डेवलप फ्रॉम जाइगोट, सबसे पहले यही बनती है, फर्स्ट फॉर्म्ड है मेरिस्टम, सबसे पहला मेरिस्टम जो किसी प्लांट बॉडी में बनेगा वो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम या प्रो मेरिस्टम ही कहलाता है। कहाँ प्रेजेंट होती है? अभी मैंने आपको जैसे प्लीम्यूल में बनाया, वैसे नीचे बनता है टैप रूट, तो उसके लिए रेडिकल में प्रेजेंट होगा। सो दे आर लोकेटेड एट एपिसिस, एपेक्स का प्लूरल लिखोगे तो एपिसिस आएगा, एपिसिस ऑफ रेडिकल एंड प्लीम्यूल, रेडिकल प्लीम्यूल आपने एम्ब्रियोनिक एक्सिस में बनाया था, है ना, ये अनडिफरेंशिएटेड है। एपिकल मेरिस्टम एपेक्स पे प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा? एपिकल मेरिस्टम, है ना। अब जैसे अभी हमने एपिकल मेरिस्टम कहां लिखा था? पोजीशन के हिसाब से। तो पोजीशन के हिसाब से ये कैसा आएगा? एपिकल। और ओरिजिन के हिसाब से ये कैसा होगा? प्राइमोडियल। प्रिमिटिव है, जाइगोट से बना, पहली बार बना तो प्राइमोडियल। लेकिन बना कहां पे? ये लिखा जैसे था, बेस्ड ऑन लोकेशन क्या आएगा? एपिकल। बेस्ड ऑन ओरिजिन क्या आएगा? प्रोमेरिस्टम, है ना। अभी यहाँ पे ये दोनों बातें आप समझ सकते हो, हालांकि इसको भी हम डिफाइन करेंगे बाद में, एपिकल मेरिस्टम को, पर यहाँ भी लिखा है कि ये अनडिफरेंशिएटेड एपिकल मेरिस्टम को ही रिप्रेजेंट करता है। ये मदर मेरिस्टम कहलाता है, बिकॉज बॉडी में जो बनेगा वो यहीं से बनेगा, दिस इज कॉल्ड मदर मेरिस्टम, जिससे आपको डिफरेंट टाइप के, है ना, दिस विल फॉर्म लेटर फॉर्म ऑल अदर टाइप्स ऑफ मेरिस्टम। जितने भी मेरिस्टम्स बनेंगे वो मदर मेरिस्टम यानी कि प्राइमोडियल मेरिस्टम से ही बनेंगे, इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब प्राइमोडियल से आप क्या बन जाएगा? एक ग्रोथ के बाद प्राइमरी, जैसे हमारी बर्थ हो गई, तो बर्थ के बाद हमारे बॉडी में क्या बन गए? बॉडी पार्ट बन गए, प्राइमरी बॉडी पार्ट, जिनको 14 साल तक ग्रो होना है। लेकिन बर्थ से पहले जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन रहे थे वो किससे बन रहे होंगे? वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म से बन रहे होंगे। ऐसे प्लांट बॉडी में भी है कि जो प्लीम्यूल और रेडिकल के अंदर मेरिस्टम है वो क्या है? एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम है। और जब ये प्लीम्यूल और रेडिकल ग्रो करके रूट और शूट बन जाएगा, तो फिर रूट से जो बनेगा वो, और शूट से तो सब कुछ बनता है, वहां जो भी कुछ बनेगा वो कहलाएगा दूसरे टाइप का, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टम सेकंड, क्योंकि यहां से सर आपने लोकेटेड के आगे लोकेटेड एट एपिसिस लिखा हुआ। हाँ एपिसिस,
एपिसिस, एपेक्स को प्लूरल में लिखोगे तो एपिसिस कहलाएगा। सो सेकंड क्या आएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम। ये किससे बना है, ओरिजिनेटेड या डेवलप फ्रॉम, कुछ भी लिख लीजिए। प्रो मेरिस्टेम, ये यहां से बना है, क्लियर। अब इसको हम प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्लांट में जब ग्रोथ होती है, मतलब प्लांट में शुरुआत में जितनी भी ग्रोथ होगी, दैट ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। जैसे रूट बन गई, स्टेम बन गया, स्टेम से ब्रांचिंग बन गई और ब्रांचिंग पे लीफ आ गई, तो ये सब कुछ प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है, क्योंकि ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम बोल देते हैं। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा वो भी हम देखेंगे, कि ये इसको हम प्राइमरी क्यों कहते हैं। दिस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है जो भी प्लांट की शुरुआत में लंबाई बढ़ती है या चौड़ाई बढ़ती है, वो दैट विल बी द प्राइमरी ग्रोथ। जो प्लांट शुरू में ग्रो करता है उसको प्राइमरी कहते हैं। और फिर एक सर्टन टाइम के बाद कुछ प्लांट में, सब में नहीं, कुछ प्लांट में क्या होगा कि स्टेम का डायमीटर केवल बढ़ेगा, लेंथ नहीं बढ़ेगी, केवल चौड़ाई बढ़ेगी, वो भी स्टेम या मेन ब्रांच की, फिर उसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। तो अभी हम सेकेंडरी की ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल प्राइमरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हमने नाम दे दिया कि ये प्राइमरी है ना, ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करता है। प्राइमरी ग्रोथ ही होती है किससे, जो ऊपर लिखा है प्रो मेरिस्टेम, इससे एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होती है। इससे प्राइमरी कहाँ लिखा है मैंने, कहीं नहीं लिखा है इसमें, कहाँ लिखा है प्राइमरी सर, मतलब उससे सिर्फ एम्ब्रियो जो होता है वो ग्रो करता है, उससे सिर्फ एम्ब्रियो ग्रो करता है, ये एम्ब्रियोनिक ग्रोथ है, इसीलिए तो लिखा है एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। ये 12th में पढ़ोगे आप, क्योंकि इसका डायग्राम वगैरह सब 12th में दिया हुआ है। ये हाँ, ये रूट स्टेम लीफ ब्रांचेस जो भी बनेंगी वो सब यहाँ से बनेंगी, प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। प्राइमरी ग्रोथ वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो कहलाएगी, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, इनकी लोकेशन क्या होगी, लोकेशन के हिसाब से अगर हम इनको ढूंढें तो ये कहाँ कहाँ पे आप मिलेंगे, लोकेटेड एट प्राइमरी मेरिस्टेम ओरिजिन के हिसाब से। ये मिलेगा कहाँ पे, रोटेटेड एट द एपेक्स यानी एपिसिस ऑफ रूट एंड शूट, रूट स्टेम ब्रांचेस, इन सब पे, इस सब की जो टिप है वहां पे आपको ये मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा इसको बोलते हैं आप क्या, एपिकल मेरिस्टेम। लोकेशन के हिसाब से ये क्या कहलाता है, एपिकल मेरिस्टेम है। और इसके अलावा ये आपको कहाँ मिलेगा, नोड पे मिलेगा। नोड पे जो मेरिस्टेम होता है वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहलाता है। एंड एक ऐसा भी है जो साइड में प्रेजेंट होता है, उसको नाम दिया जाता है इंट्रा। इंट्रा वर्ड लगाएं या ना लगाएं ऑप्शनल है, बहुत सारी बुक में लगा होगा, वही तो नहीं नहीं लगा होगा। इंट्रा फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, ये तीन मेरिस्टेम ऐसे हैं जिनकी वजह से प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होती है। तो इन तीनों को ओरिजिन के हिसाब से क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी, और लोकेशन के हिसाब से क्या नाम दे रहे हैं, ये, ठीक है। इन सबसे प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ होगी, मतलब ब्रांचेस बनेंगी, हाइट बढ़ेगी प्लांट की, और रूट है तो रूट की लेंथ बढ़ेगी जमीन के नीचे, स्टेम है या ब्रांच है तो उसकी लेंथ बढ़ेगी जमीन के ऊपर, साइड में जो लीफ निकलनी है वो लीफ बन जाएंगी। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। लास्ट लाइन लिखिए इंट्रा फेसिकुलर, वो रिपीट कर दो, समझ नहीं आ रहा क्या ये लोकेटेड एट, उसमें जो लास्ट में लिखा है जो साइडवेज प्रेजेंट होते हैं। ओके, इंट्रा फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। इंट्रा वर्ड ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि बहुत सारी बुक में इसका नाम दे रखा होगा फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, और बहुत सारे में लिखा होगा इंट्रा फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, दोनों एक ही बातें हैं। तो सर ये जो तीनों है ये प्राइमरी मेरिस्टेम की पार्ट है, ये तीनों प्राइमरी है पोजीशन के हिसाब से, लोकेशन लिख दी ना इसमें,
ओरिजिन के हिसाब से प्राइमरी है, लोकेशन के हिसाब से ये नाम आ जाएंगे। सर ये फैसिकुलर फैसिकुलर कैम्बियम का मतलब क्या है? अभी नाम याद कर लो, जब आएगा डिटेल में इसी चैप्टर में तब हम देखेंगे क्या है। फैसिकुला मतलब बंडल होता है बेसिकली, और वेस्कुलर कैम्बियम फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तो आप सिर्फ आप अभी तो आपको केवल एग्जाम्पल के तरीके से नाम याद रखने, इसी चैप्टर में सब है, हम कुछ भी अलग से नहीं पढ़ेंगे, सब इसमें पढ़ लेंगे। तीसरा क्या है हमारे पास, सेकेंडरी मेरिस्टम। अब सेकेंडरी कहां से बनते हैं? ये बनते हैं प्राइमरी से, है ना? ये कहां से बनेंगे? ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्राइमरी। अब जो मैं लिख रहा हूं वो फिर आप लिख लीजिए, परमानेंट टिश्यू। अब प्राइमरी परमानेंट कौन से हैं? जब हम परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे ना तो उसमें ये आपको समझ में आ जाएगा, अभी तो हम मेरिस्टमेटिक टिश्यू ही पढ़ रहे हैं। तो जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है उनसे जो मेरिस्टम बनेगा वो सेकेंडरी मेरिस्टम कहलाएगा। और बनेगा कैसे? क्योंकि परमानेंट टिश्यू तो डिवाइड करते नहीं, और यहां पे लिखा है कि डिवीजन हो रहा है। मेरिस्टम में तो डिवीजन होता है, परमानेंट में तो डिवीजन नहीं होता। यहां लिखा था परमानेंट में तो कोई डिवीजन नहीं होता, मेरिस्टम में तो डिवीजन होता है। तो मेरिस्टम से जब परमानेंट बनाते हैं तो क्या कहलाता है? डी डिफरेंशिएशन। सेकेंडरी मेरिस्टम में क्या होगा? ये जो परमानेंट सेल्स है वो वापस पहले इसमें चेंज होंगी, यहां से यहां आएंगी वापस। जब यहां से यहां वापस आएंगी तो अगर ये डिफरेंसिएशन है तो ये क्या कहलाएगा? डी डिफरेंसिएशन। तो पहले परमानेंट टिश्यू से होगा डी डिफरेंसिएशन, और फिर जो मेरिस्टम बनेगा उसको बोला जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टम, है ना? ये मेरिस्टम था, इसमें डिफरेंसिएशन हुआ, परमानेंट बनेगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम परमानेंट के अंदर डिवीजन खत्म हो गया, लेकिन अगर परमानेंट में डिवीजन दोबारा आ जाए, तो खत्म होने का मतलब था डिफरेंसिएशन, तो दोबारा आने का मतलब क्या हो जाएगा? डी डिफरेंसिएशन। तो दोबारा जब मेरिस्टमेटिक पावर आ जाएगी तो उसको नाम बोल दिया जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टम, है ना? तो लाइन को कंटिन्यू करोगे तो इसमें लिखा है ओरिजिनेट फ्रॉम द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाय डी डिफरेंसिएशन। यहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाएगा? डी डिफरेंसिएशन। ये वर्ड आपको याद रखना है, आगे ये डिटेल में हम पढ़ेंगे भी कि यहाँ डी डिफरेंसिएशन होगा तो ये पॉसिबिलिटी आएगी, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन करने के बाद वापस ये परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे, फिर वो सेकेंडरी परमानेंट, फिर जब हाँ अगर डी डिफरेंशिएशन हो गया तो क्या बन गया? सेकेंडरी मेरिस्टम। अब जब ये डिवाइड करके अगर कोई परमानेंट बनाएगा तो उसको बोला जाएगा सेकेंडरी परमानेंट, उसको प्राइमरी परमानेंट नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोल देंगे? सेकेंडरी परमानेंट बोल देंगे। आगे हम उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, सब चीजें हमारे सिलेबस में है। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं। एनाटॉमी बहुत से लोगों को टफ चैप्टर लगता है, आप थोड़ा सा कंसर्न रखोगे, पेशेंस रखोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो अच्छी बात है कि आप आराम से इसको पढ़ें, है ना? इसमें कोई जल्दी लगाने की जरूरत नहीं है, जहां जल्दी आएगी वहां पे हम हो जाएगा, बट टिश्यू सबसे डिटेल में टॉपिक है तो इसको आपको समझने की भी जरूरत है। अब जितनी भी ग्रोथ यहां से होगी, जैसे ग्रोथ कैसे होगी, अभी हमने क्या समझा? एक ये परमानेंट टिश्यू था, ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू था, शुरू में था तो हम मान लेते हैं कि ये प्राइमरी है, इसमें डिफरेंसिएशन हुआ तो टिश्यू बन गए प्राइमरी परमानेंट। अभी हमने क्या लिखा? इनमें जब डी डिफरेंसिएशन होगा तो ये दोबारा बनेंगे, तो जब इनमें डी डिफरेंसिएशन होगा और ये दोबारा बनेंगे तो दोबारा की वजह से नाम क्या रख दिया गया? सेकेंडरी मेरिस्टम। अब जैसे पहले वाला मेरिस्टम डिवाइड करके परमानेंट बना रहा था और प्राइमरी ग्रोथ हो रही थी, तो जो नया बना है दोबारा से वो भी डिवाइड करेगा तो ग्रोथ होगी ना, तो फिर वो ग्रोथ क्या कहलाएगी? सेकेंडरी ग्रोथ कहलाएगी। तो सेकेंडरी मेरिस्टम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? They are responsible for secondary growth. Of the plant. ये किसके लिए responsible है? Plant में secondary growth के लिए responsible है। तो ये secondary growth का angle आ जाएगा, ये secondary growth कहाँ पे होती है, इनको हम देखेंगे कि किस format में present है। हमारी body में नहीं हो सकता ऐसे, मतलब आइडियली हम ये बोलना चाह रहे हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि लिवर अगर मीजोडर्मल ओरिजिन का है, इफ आई एम राइट, मुझे ठीक से याद नहीं है बट आई थिंक लिवर मीजोडर्मल ओरिजिन का है, कि अगर मान लीजिए कोई लिवर मीजोडर्मल ओरिजिन का है तो क्या आज हम लिवर से दोबारा मीजोडर्म बना सकते हैं?
नहीं बना सकते, एनिमल सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है, बट प्लांट में पॉसिबल है। प्लांट में लीफ जिस मेरिस्टम से बनी है, आप लीफ को दोबारा उस मेरिस्टम में चेंज कर सकते हो, दैट इज इंक्लूडेड इन प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी के अंदर ये दोबारा से ग्रोथ करने का ऑप्शन है, एनिमल बॉडी में दोबारा ग्रोथ नहीं होती, जो ग्रोथ होनी है वो एक ही बार हो जाती है। तो एनिमल में सेकेंडरी ग्रोथ जैसा कुछ है ही नहीं, जब सेकेंडरी है ही नहीं तो प्राइमरी को प्राइमरी बोला ही नहीं जाता, सिर्फ ग्रोथ बोल देते हैं। लेकिन प्लांट में क्या है, क्योंकि दोबारा ग्रोथ करने का ऑप्शन है, इसलिए पहले वाली प्राइमरी ग्रोथ हो गई, और उसके बाद जितनी बार नई बनेगी, जितनी बार दोबारा से ग्रोथ होगी, दैट ऑल विल बी द सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब इसकी लोकेशन कहां मिलेगी आपको, लोकेटेड एट, अब ये कहां मिलेगा प्लांट में, जो ये प्लांट की लेंथ है, ठीक, ये डायमीटर हो गया स्टेम का, सेकेंडरी मेरिस्टम यही प्रेजेंट होता है साइड में, लेटरल साइड में, तो ये ऐसे ग्रो करता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ से क्या होगा, मोटाई बढ़ेगी, किसी भी चीज का डायमीटर बढ़ेगा, लेंथ नहीं बढ़ती। प्राइमरी ग्रोथ से क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ टिप पे होती है, एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे एपेक्स पे, तो ये यहाँ ग्रो करता जाएगा, तो ये लेंथ बढ़ती जाएगी। रूट का नीचे है तो रूट की डेप्थ बढ़ती चली जाएगी। ब्रांचेस है तो साइड में है तो साइड में ग्रोथ होती जाएंगी। लेकिन किसी ब्रांच या किसी स्टेम की या रूट की मोटाई अगर बढ़ रही है, डायमीटर अगर बढ़ रहा है, तो कैसे बनेगा, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम। क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये साइड में प्रेजेंट होते हैं, लेटरल साइड में होते हैं। तो इनकी लोकेशन क्या है कि आपको ये कहाँ मिलेंगे, दे आर लोकेटेड एट द लेटरल साइड्स, जो लेटरल एक्सिस होता है वहां पे हमें मिलते हैं। तो सर मतलब जो लेंथ बढ़ेगी वो हमेशा प्राइमरी की वजह से बढ़ेगी, वो प्राइमरी से बढ़ती है। यस, एम्ब्रियो में ग्रोथ, एम्ब्रियो मेरिस्टम, लेंथ बढ़ रही है प्राइमरी मेरिस्टम, डायमीटर बढ़ रहा है सेकेंडरी मेरिस्टम। और हमारा डायमीटर क्यों बढ़ेगा, मोटापे से बढ़ेगा, कि हमारे इंचेस क्यों बढ़ रहे हैं, बिकॉज हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट हो रहा है, हमारी बॉडी में कोई टिश्यू नहीं ग्रो कर रहा है डायमीटर की वजह से। लेकिन प्लांट में अगर आप कहें कि किसी स्टेम का, किसी ट्रंक का, किसी ब्रांच की मोटाई बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम, है ना, और वो सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट है, उससे प्लांट की लंबाई नहीं बढ़ रही, उससे प्लांट की केवल चौड़ाई बढ़ रही है। तो ये आ जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आएंगे, लोकेटेड एट द लेटरल साइड ऑफ द प्लांट एंड इंक्लूड, इसमें कौन कौन से आएंगे, इंक्लूड में मैं एक लाइन केवल लिख रहा हूं, इसमें सारी कैम्बियम आएंगी इसको छोड़ के, सिंपल है, ऑल कैम्बियम एक्सेप्ट वन, जो आपने ऊपर लिखी, दैट इज इंट्रा फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि ये प्राइमरी होती है, आप ऊपर लिख चुके हैं। तो एक कैम्बियम को छोड़ के बाकी कोई भी कैम्बियम हो, मैं सारी कैम्बियम के नाम नहीं लिख रहा अभी, क्योंकि हमें ऑलरेडी सेकेंडरी ग्रोथ पढ़नी है, तो हम उस टाइम पे सब कैम्बियम के बारे में पढ़ेंगे, या अभी हमें पोजीशन के हिसाब से भी मेरिस्टम पढ़ना है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, तो हम उसमें जब पढ़ेंगे लेटरल मेरिस्टम, क्योंकि लेटरल साइड पे है, तो उसमें सारे कैम्बियम के नाम आएंगे। तो एक कैम्बियम को छोड़ के बाकी जितनी भी कैम्बियम है वो सेकेंडरी मेरिस्टम है ना, तो इसलिए आपकी बुक में लिखा है कि सेकेंडरी मेरिस्टम ऑब्लिक करके वहां लिख दिया गया लेटरल मेरिस्टम, क्योंकि पोजीशन में ये लेटरल होंगे, ओरिजिन में ये सेकेंडरी है। लेकिन जो ये वाला है, पोजीशन में तो ये भी लेटरल है, लेकिन ओरिजिन में ये कैसा है, प्राइमरी है। तो दिस इज अ एक्सेप्शनल केस, सारे कैम्बियम लेटरल ही होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑल कैम्बिया आर लेटरल कैम्बिया, बट ऑल लेटरल कैम्बिया आर नॉट सेकेंडरी कैम्बिया, बिकॉज देयर इज वन एक्सेप्शन व्हिच इज प्राइमरी इन ओरिजिन। इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी है, उसके अलावा जितने भी कैम्बियम आप पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, दोस ऑल कम्स अंडर द सेकेंडरी मेरिस्टम। तो अभी हमने केवल मेरिस्टम का वो क्लासिफिकेशन पूरा किया है जो उसके ओरिजिन के हिसाब से दिया गया, प्रो मेरिस्टम, आफ्टर दैट प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी मेरिस्टम। आगे तो सर ये जो बच्चे हुए वो ये भी तो प्राइमरी हुए, कौन से सर, एपिकल और इंटरकैलरी। हाँ, लेकिन इनसे ग्रोथ तो सेकेंडरी नहीं हो रही ना, सेकेंडरी ग्रोथ तो केवल लेटरल साइड वाले से होती है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, ये एपेक्स पे है, एपेक्स लेटरल तो नहीं होता, और इंटरकैलरी नोड पे होता है, हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ये नोड पे होता है, नोड और एपेक्स से साइड में तो कोई ग्रोथ नहीं होती ना, साइड में तो केवल कैम्बियम होती है। तो अगर हम लेटरल के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये भी लेटरल है और ये भी लेटरल है, ऑल और ये भी लेटरल है,
लेकिन अगर हम ओरिजिन के हिसाब से कहेंगे तो ऑल एक्सेप्ट दिस, बिकॉज ये वाला प्राइमरी है और बाकी सारे जो है वो सेकेंडरी ओरिजिन के। ये स्टेटमेंट आपको आगे किसी क्वेश्चन में मिलेगा कि ऑल सेकेंडरी मेरिस्टम आर नॉट लेटरल मेरिस्टम, क्योंकि लेटरल तो ये भी है और ये तो प्राइमरी है ना। बट ऑल लेटरल मेरिस्टम आर, तो लेटरल की बात करेंगे तो ये प्राइमरी भी आएगा और बाकी जितने भी आएंगे वो सेकेंडरी बन जाएंगे। कल मैं आपको एक लोकेशन के हिसाब से बना के भी दिखा दूंगा तो भी आपको आइडिया लग जाए। बट अधिकतर चीजें जो कैम्बियम की है वो हम सेकेंडरी ग्रोथ जो सेक्शन आएगा चैप्टर का लास्ट वाला उसी में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम जितना भी बीच में चैप्टर में पढ़ेंगे वो सब प्राइमरी ग्रोथ का पार्ट होगा। आज के लिए इतना ही, कोई इशू नहीं है। टाइम अगर लग भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बेटा। सर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ये सेकेंडरी मेरिस्टम में चेंज कैसे हो जाते हैं? चेंज तो होंगे ही होंगे। प्राइमरी मेरिस्टम इसके लिए प्रोसेस होता है ना इनमें अनडिफरेंशिएशन का, हमारी बॉडी में नहीं होता, प्लांट में होता है। प्लांट को ये पावर दे रखी है नेचर ने कि वो दोबारा अपने मेरिस्टम में चेंज हो सकता है ना। उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, ये तो नेचर ने कैपेसिटी दे रखी है तो हम मान लेते हैं कि ऐसा है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में, कल ही होगी या परसों जब भी होगी। ओके बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।